वालेकुम, आज जरा नहीं आई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ मौजूद हूँ। ओके जी, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? और संडे कैसा गुजर रहा है? सब सो के उठ गए या नहीं उठे? हम लोग भी आज बहुत सोए, इसीलिए शायद ज़्यादा फ्रेश लग रहे हैं क्योंकि आज किसी को कहीं नहीं जाना था, सब ने सोना ही सोना था, तो फिर भी बहुत सारा सोया। आइए 12 बजे तक सोई जाए। और आप सब लोगों का संडे कैसा जा रहा है, क्या कर रहे हैं? आज चेक कर लेते हैं, लोग हमारे साथ ज्वाइन होना शुरू हो जाए कि बता दें कोई एक हमें। हाँ, मेरी आवाज़ गायब हो जाती है अक्सर, सबसे मेरी कंप्लेन आ रही है कि आप बोलते बोलते आपकी आवाज़ चली जाती है कहीं और, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं ज़रा ज़ोर ज़ोर से बोलूँ कि आवाज़। हाँ, ज़रा पे एक मैसेज आया था कि आपको रोज़ा लग रहा था। हाँ, हालांकि मुझे रोज़ा नहीं लग रहा होता अल्हम्दुलिल्लाह। और कल तो हम लाइव सेशन के बाद भी बहुत सारे सैलून गए थे, और क्यों गए थे ये भी आज हम आपको बताएंगे। और फिर हम घर गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के बावजूद भी नहीं सब अच्छा है। और मौसम जब बाहर निकले थे तो बादल थे। हाँ, उसके बाद धूप आ गई। कराची का मौसम ऐसा था ना, यूँ आने जाने थे और हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, हवा चली तो सुकून रहा था। लेकिन पता है क्या राफे, जब आपके अंदर कुछ करने का जुनून होता है ना, जोश होता है, और आपको होता है कि मुझे ये करना ही करना है, तो फिर ना गर्मी ना सर्दी ना बाहर ना पीला और ना ही कोई रोज़ा लग रहा होता है, पैदल चल रहे थे मज़े में, कुछ भी नहीं फील हो रहा होता, क्योंकि वो जो अंदर एक आग लगी हुई होती है ना कि हाँ ये करके दिखाना है या करना है या ये अचीव करना है, तो अपने आप को मनवाने वाली जो एक, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बेसिकली आप अपने आप को बाहर निकालते हैं, तो फिर सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ हो सकता है। फिर ना रोज़ा तंग करता है, ना ट्रैफिक तंग करती है, ना गर्मी तंग करती है, ना बारिश, ना बरसात, ना आंधी, ना तूफान, और ना ही घर के काम जाने के बाद करने वाली है, क्योंकि जाते किचन की तरफ रुख करना होता है, क्योंकि अफ्तार भी बनानी होती है। कल अम्मी का बनाया था, मज़े भाई नहीं, कल मैं तो घर जाके खराब खराब बनाया था अल्हम्दुलिल्लाह, और खैर जाहिर सी बात है खाने पीने में तो हम खाने पीने में आ जाए जल्दी जल्दी सब लोग, ताकि हम आज का सेशन स्टार्ट करें। आज हम बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए, पहले से अनाउंस नहीं करते कि ये सस्पेंस है, पता रहे हम करने क्या वाले हैं नेक्स्ट सेशन। कुछ फनी खराबियाँ भी हो जाती हैं। हाँ, कभी फनी खराबी हो जाती है, कुछ और मसले हो जाते हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप आस लगा कर बैठे और फिर वो आपकी आस टूट जाए, तो हम आज नहीं तोड़ना चाहते। वालेकुम अस्सलाम, फरहत अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। फरहत बता दीजिए, आवाज़ आपको बिल्कुल सही आ रही है? जहर मेरी तारीफ थी, बहुत चीखती है, अपने बच्चों को भी टच करती है, आवाज़ सही आती है, बहुत सॉफ्ट। वैसे आज हमने बहुत सॉफ्ट कलर मैच कर दिया। हाँ, बैकग्राउंड भी हमारे साथ मैच हो रहा है। हमारी हैंड क्रीम जो कि डिस्काउंट पर है, वो भी हमारे कलर से मैच हो रही है। हम ज़्यादा मैच करना चाहिए, ज़्यादा ही करना है, अच्छी बात है ना, थोड़ा सा मैच मैच होना चाहिए। लोग सवाल कर रहे हैं आप लोग पहने, हम लोग सगी वाली नहीं है, पहले खूनी पहने नहीं, हम लोग वाटर कूलर वाले पानी पीते हम लोग गो वाली पहने हैं। अच्छा जी, अपने अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो हम बार बार हम नहीं बल्कि ये हमेशा बोल रही होती है कि आप चाहते हैं जो समझना जो जानना, वो भी सजेशन दीजिए कि हम और कौन कौन से लाइव सेशन यहाँ कर सकते हैं जिसकी आप सब लोगों को उम्मीद है, तो वो भी ज़रूर दें और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो सके कि हम कितना गलत बोल रहे हैं और कितना सही बोल रहे हैं, और हमें मज़ीद क्या चीज़ों की बेहतरी करनी चाहिए, या कौन सी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, या कौन सी चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम मदीहा, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मदीहा, थैंक यू सो मच मदीहा, थैंक यू फरहत अब्बास। कल का सेशन आज हम सोए बहुत ज्यादा, इसलिए ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, फ्रेश है, वरना से ज्यादा ही रोजाना सवाली होती थी। कल के सेशन के बाद कुछ ज्यादा एनर्जी आ गई मुझे, ऐसा फील हो, मुझे भी लग रहा है, पहले चलने से सवाली चल गया सारा माशाल्लाह से। कल हमने इतना जो है ना जबरदस्त काम किया है ना, फिर सारा कैमरा आपने अपनी तरफ किया हुआ है, क्या मसला क्या है? खराब है आप, ये लीजिए रिक्शे में ही बैठ के यही करती हूँ। अच्छा ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा करीब आ जाती हूँ, ऐसे आप ठीक है, क्योंकि वो मुझे लग रहा है क्योंकि यूँ होना पड़ा। चले आप सही है, चले यूँ होने से वैसे मैं
कि ज़हरा की ट्रिक होती है, जब हम सेल्फी ले रहे होते हैं तो ज़हरा यूँ आ जाती है, जितनी ऊपर से ले उतने पतले आएंगे, बारीक 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 नहीं लेती मैं सेल्फी ज़हरा। और हमारे साथ तो जहाँ हमने बहुत सारी खवातीन नहीं बोले कि लड़कियों को सेल्फी लेना सिखाया हम लोगों ने, और वहाँ हमारे सर शहीद है मेरे भाई, और हमने उनको भी सिखा दिया बड़ी अच्छी मेरे स्टाइल में सेल्फियाँ ले रहे होते हैं और ज़हरा वाला फेस बनाते हैं। ओके जी, जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लें क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जितनी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन, आप बहुत अच्छा बोलती है, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं वो मेरे लिए बोला है, सिर्फ इनके लिए नहीं, दोनों के लिए बोला है, ऐसी बात है। एक बात छोटा सा होता है जैसे शादी से पहले होता है कि बहुत कुछ लोग होते हैं ज़्यादा बोलने तो घर कहते हैं खुदा के लिए चुप हो जाओ मत बोलो, इतना बोलती हुई फ़ायदा नहीं होता, लड़कियों को कम बोलना चाहिए, इतना ज़्यादा लड़कियां बोलती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। तो मेरे साथ ऐसा ही होता था, मैं बहुत बोलती थी, और जहाँ से छोटे थे तो बेतुका भी बोलते थे, जहाँ वो बात नहीं बोलनी होती थी मैं वहाँ भी बोल देती थी, जैसे वो वाली चीज़ नहीं होती कि मना करके आते हैं कि ये नहीं बताना है कि हम आइसक्रीम खा कर आते, तो ये होता है कि जब घर जाके बोल रहे होते हैं कि नहीं हम आइसक्रीम थोड़ी ना खाते हैं, वो वाला हिसाब भी हो जाता था। तो उसके बाद अब जब हौजी प्लेन में आए तो मेरे अब्बा माशाल्लाह बोलते हैं कि अब जो तुम बोलती थी ना बहुत ज़्यादा, अब तुम सही जगह सही चीज़ बोल रही होती हो। अच्छा अब्बा शुक्रिया। वैसे पता है मैं अपनी एक बात आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने हौजी प्लेन स्टार्ट किया था और मेरे साथ ज़हरा होती थी हर कदम पर, और सफ़र में हम लोग साथ साथ होते थे, हमारी वहाँ पर मस्तियाँ होती थी, मुझे वो फ्लैशबैक हो गया मेरी लाइफ में, और डेली के हिसाब से मुझे इनका साथ मिल रहा है। और जब ये होता था कि मैं ये बोलती थी और मैं सारी की सारी सुन रही होती थी बैठ के, अब मैं ये बोल रही होती मैं तो बीच में क्लैश मार के बीच में आ जाती थी, कुछ नहीं बोलती, सुन के मैं बोलती थी देखेंगे ज़रा कर लेंगे। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता था, और इसी तरह से मेरे साथ था कि जब मैं अपने लीडर के साथ दीदी बस मैं सुनती थी और सोचती थी कि अच्छा कभी वो दिन आएगा कि मैं भी इसी तरह समझा रही हूँ, तो अलहमदुल्ला ज़रा मैं आपकी तरह कब बोलूँगी, तो अच्छा बोलती है अभी भी मैं इनकी तरह तो नहीं बोलती, नहीं नॉलेज इतनी दी है उतना मैं लोगों को माशाल्लाह से। और बोलना मकसद सिर्फ बोलना ही नहीं होता कि आप सिर्फ बोलना ही शुरू हो जाए और बोलते रहे, मकसद होता है कि आपने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन राइट इन्फॉर्मेशन राइट बंदे तक पहुंचानी है ताकि वो भी उससे फ़ायदा उठा सके। असल चीज़ ये होती है, आप हर किसी के आगे और ये फिल्म की कहानी सुनाने बैठ जाए और उसका कोई इंटरेस्ट ही ना हो तो वो भी बेकार हो जाता है। अच्छा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है आँखें। वाकई बोलती हैं, अगर हम कुछ ना भी बोलें तो हमारी आँखें बोल रही होती हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी आँखें बोलती हैं। होता है, अल्लाह ताला की देन है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, ठीक है, खुदा की जिसने आँखें बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का, आँखें बड़ी हों छोटी हों असल काम है उसका देखना, तो वो देखे सही सही जगह पर सही चीज़ को देख सकें पहचान सकें और उससे ठीक काम ले सके, तो वही आँखें ज़्यादा अच्छी होती हैं। बिल्कुल सही बात है, पर आँखें लोगों को कितना अल्लाह पाक ने एक बेहतरीन कीमती नायाब तोहफा दिया हुआ है, लोगों को उसकी कदर नहीं है बिल्कुल भी, उसी के बारे में आज हम आपको बहुत इंटरेस्टिंग एंड सीरियस टॉपिक लेकर आए हैं, और बिल्कुल सीरियस हम सीरियस हो नहीं सकते, पर सीरियस टॉपिक के लिए हमें शुक्र खुदा का, वरना मेरे भी मुश्किल ऐसे होना पड़ेगा, पर हमारे साथ है तो कोई सीरियस बात सीरियस लगती नहीं है, और सारी की सारी बातें हम हंसी मजाक में सिखा देते हैं, और जैसे मैंने सीखा है वैसे मैं सिखा रही होती हूँ आगे अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे आँखें हमारी क्यों इतनी ज़्यादा बूढ़ी हो जाती है? आँखों की केयर करनी चाहिए, लोग सोचते आँखों की क्या केयर, हाँ मुँह की कर लो, हाथों की कर लो, बालों की कर लो, मुँह की नहीं कर, आँखों पे जो मुँह पे लगा रहे हो आँखों पे लगा लो, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं ज़हरा, हमारी स्किन, ये मैं आपको बता रही हूँ बता ओके जी, हमारे फेस की स्किन और हमारी आई सर्कल वाली जो हमारे एरियाज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, और उसकी हमें कैसे केयर करनी चाहिए वो ही टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। और सबसे पहली चीज़ कि हम अपनी आँखें खुद ख़राब कर रहे हैं, हमारी माओ की आज भी आँखें बहुत अच्छी फ्रेश हैं, रिंकल्स
और सैगिंग इतनी नहीं है जितनी हम लोगों के अभी से। बिल्कुल, एज लोग समझते हैं कि आँखों का आई साइट वीक हो जाए तो ही आँखें ख़राब हो जाती हैं, लेकिन आप आँखों की जो खूबसूरती है वो डिपेंड करती है आपकी फाइन लाइंस के ऊपर और ड्राइनेस पर, आपकी आँखों के ऊपर जो स्वेलिंग आ रही होती है उस पर, आपके डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा होते हैं तो भी आपकी आँखें अच्छी नहीं दिख रही होती हैं। ये वो सारी छोटी थी और मैंने नया नया छोटी थी, जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई थी बीच तो की थी, बीच की एज की थी, और जब मैंने आईब्रोज बनाना शुरू कर दी तो मुझे ये अम्मा की तरफ से मिलता था, बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, आईब्रोज बना बना के प्लकिंग करते हैं ना तो इससे जो है ना यहाँ से पूरी पूरी आँखों में झुर्रियाँ आ जाएंगी। ऐसा है सर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप थ्रेड के थ्रू बनवा रहे हैं या एक्सपर्ट से बनवा रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम इतने सालों से बनवा रहे हैं, हमारे बिल्कुल भी आईब्रोज जो है नीचे नहीं आई है, और आई केयर का जो असल मकसद है ना वो ये है कि आपने आँखों को सुकून देना है। आँखों के लिए जो प्रोडक्ट होती है, आई की जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, क्योंकि हमारी जो आई एरिया है वो हमारी स्किन के एरिया से बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसमें पोर्स नहीं होते, बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव हमारा आई एरिया होता है, इसीलिए अगर हम जाग लेते हैं तो ही हमारी आँखें सूजती हैं, तो ही डार्क सर्कल होते हैं, और अगर हम पानी की कमी हो रही होती है तो आँखों के ऊपर ही लाइन्स आना स्टार्ट होती हैं, और सबसे पहले जो हमारी एजिंग है, एजिंग साइन जो है वो हमारी आँखों पर ही नज़र आते हैं, तो हम एजिड नज़र आना शुरू होते हैं, हम स्किन से बूढ़े नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो हमें अपनी स्किन की केयर के साथ साथ अपनी आई केयर का भी बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैं प्रेजेंटेशन में हमेशा सर एक बात बोलती हूँ कि हम लोग अपनी स्किन की सैगिंग और रिंकल्स को तो बहुत अच्छे से केयर कर रहे हैं, ये सोच करके हम बूढ़े नहीं लगेंगे, जबकि अल्लाह मेरे को पता है कि आँखों की केयर तो इसने करनी नहीं है, इसको पता नहीं है कि आँखों की केयर कैसे करनी है, तो बिल्कुल वो जो है वो एरियाज को अल्लाह पाक ने बहुत सेंसिटिव पहले से रखा था, उसको अलग केयर बताई होगी, पर हम लोग ने कभी उसको वैसे रखा नहीं, ख्याल किया नहीं अपनी आँखों का। तो अगर हम आँखों की केयर की बात करें तो पहले जो होम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें शहद बहुत बड़ा है, बादाम का तेल शहद बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि आँखों के अंदर भी अगर पुराना छत्ते के साथ जो शहद होता है उसमें आँखों पे लगाया जाए तो बिनाई के मैं ज़रा थोड़ी पुरानी नहीं हूँ, लेकिन माहौल रहा है ना वो बहुत इस तरह का रहा है कि हम लोग काफ़ी घरेलू टोटके घरेलू चीज़ें घर में खाना बनना, और उसकी अफादियत और अब्बा और अम्मा की आदत थी कि वो हर चीज़ के फ़ायदे बता के हमें खिला रहे होते थे, इसका ये फ़ायदा है। तो और वाकई हम लोगों ने वो उस ज़माने में हमारे पास शहद होता था और उसमें छत्ते भी होते थे, वो बहुत पुराना था, और जितना पुराना शहद होता है उसका कलर भी बहुत डार्क हो जाता है, और वो आँखों में हर हफ्ते एक सलाई जो है वो शहद में लगा है। ऐसी बात है, हमारे घर से बिनाई तेज होती है, क्योंकि वो एक मुझे याद है हमारी जो जैम की बॉटल खाली हो जाती है उसमें अम्मी शहद डाल दिया करती थी, उसी के अंदर छोटा सा वो एक होता था कुछ ब्राउन ब्राउन सा, उसमें हमारे पास रोजाना रात में सिलाई है ना वो लगती थी, अगर रोज नहीं लग रहा होता हफ्ते में एक दफा तो मस्त के बिनाई तेज, और फिर हम ऐसे कर जाते तो शायद उसी का असर है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चश्मों से बचे हुए हैं, शुक्र है अल्लाह का, और ये वाली सारी केयर जो है वो बिनाई के लिए है, लेकिन जो हमारी नज़र आने वाली केयर है वो हम कैसे कर सकते हैं वो हम आज आपको बताएंगे। और वैसे सर हमारे पास आईज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? आँखों में हमारे पास एक तो सबसे पहले रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, हाइड्रेटेड हो जाता है आई एरिया भी हमारा, पफिनेस आ जाती है, सॉइल आ जाता है, और आँखों के गिर डार्क सर्कल हो जाते हैं, कभी कभी छोटे छोटे डॉट नुमा वाइट से जो है ना वो जिनको हम कहते हैं कि पोर्स अक्सर हमारे यहाँ से जब ब्लॉक हो जाते हैं तो वहाँ पर हाँ तो यहाँ पर भी वाइट से ना छोटे छोटे से दाने नुमा आना शुरू हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। इसके अलावा हमारी आईलैशेस बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाती हैं, और जो हमारी आईलैशेस के जो कॉर्नर है वहाँ पे भी डैंड्रफ आ जाती है, खुश्की आ जाती है, क्योंकि हम लोग उसका ख्याल ही नहीं रख रहे होते बिल्कुल भी। आँखें जब हम सुबह सो के उठते हैं तो आँखें चिपचिपी हुई भी होती हैं, वॉश करो तो ठीक होती हैं, आँखें रेड होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो हमारा आँखों का अंदर का एरिया जो वाइट होना चाहिए या पिंक सा होता है वो रेड रेड होना स्टार्ट हो जाता है। तेरा रोजा है चंदा
आँखों के ऊपर गाना गाना शुरू हो जाओ। हम गा सकते हैं रोजे जब रमजान खत्म होंगे तो फिर हम दोबारा आँखों का सेशन करेंगे और इसमें हम सारे आँखों का बैकग्राउंड लगा के हाँ यहाँ पे हम सबसे कहेंगे कि सब एक एक आँखों वाला गाना भेजना। तो आँखों में इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं और इसके साथ साथ थकी भी रहती हैं आँखें, ऐसा लगता है बोझल है, नींद पूरी हो गई है उसके बाद भी भारी हो रही होती है, नजर लग जाती है, नजर भी जो रात में लोग कहते हैं नजर लग जाती है, भारी हो रही है आँखें। हाँ इनकी कल नजर उतारी गई है और इतने अच्छे मियाँ है कि उन्होंने नजर उतारी है, चले अच्छी बात है। चले जी अल्लाह ताला सबके मियाओं को सलामत रखे परवरदिगार और हम उनके साथ ही पूरी जिंदगी गुजारने अल्लाह ताला आमीन आमीन आमीन। ठीक है जी। अच्छा आज हम बात कर रहे हैं आंखों पर ही और हमें इसलिए और ज़्यादा आंखें आंखें कर रहे हैं और लोग जमा हो जाए ताकि हम ग्राउंड जाके एक साथ ही सब लोग आई किए। अच्छा जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं ज़रा मैं उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन दूंगी थोड़ी सी कि आप लोग अगर चाहें कि आप लोग भी इस सेशन को किसी और के साथ शेयर करना चाहें तो आप अभी के अभी अपनी टाइमलाइन पे इस सेशन को साथ साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन करें और क्वेश्चंस करें। बिल्कुल बिल्कुल ये भी है राधा ऐसी काम की बातें बताती रहती है सर। मैं थोड़ा जो है ना इस मामले में मैं थोड़ा देखूँ अब मैंने सीखना स्टार्ट हो रही हूँ कि किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किया जाता है। इंशाल्लाह सीखने से क्या नहीं सीख सकते, बहुत सारी हमारे पास तारीख में ऐसी मिसालें हैं कि उन्होंने अपनी एज गुजरने के बाद 40-50 साल की उम्र के बाद सीखना शुरू किया और माशाल्लाह उन्होंने इतनी महारत हासिल की कि उनका एक नाम है और तारीख में खुद जाके देख लूँगी नाम क्या। तो सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है और हम सबसे सीख रहे होते हैं बड़ों से भी छोटों से भी, तो इसीलिए हमें आई केयर भी सीखना बहुत ज़रूरी है। आई केयर हम ओरिफ्लेम में किस तरीके से कर सकते हैं, क्या वाकई ओरिफ्लेम के अंदर भी आँखों के लिए अलग से कुछ मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है ज़रा, हमारे पास तीन रेंजेस बिल्कुल नहीं बहुत कुछ मौजूद है, बहुत कुछ मौजूद है हर एज ग्रुप के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए, इसकी जो हमारे स्किन जो आई स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही है उन तमाम इश्यूज हमारे पास मौजूद है। और मैं एक और अपनी भी टिप बताऊंगी कि मैंने अपने आँखों के दाने कैसे सही किए। आपको टिप्स भी मिली बहुत सारी, अगर बहुत सारी ब्रांड में होता है कि कोई एक आई की क्रीम होती है और आप बस सब एज ग्रुप वाले उसको इस्तेमाल कर लें, हर स्किन टाइप वाले इस्तेमाल कर लें, जिस तरीके से हमारी फेस की स्किन टाइप होती है उसी तरह से आई स्किन टाइप भी, जो आपकी फेस स्किन टाइप है वही आपकी आई स्किन टाइप है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑटोमेटिकली आपकी आई एरिया भी ऑयली ही होगा, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपका आई एरिया भी ड्राई ही होगा, अगर आपकी सेंसिटिव है तो आई एरिया भी सेंसिटिव ही होगा। तो उसकी ये वाला एरिया जो डिहाइड्रेट रहता है तो वो ये वाला एरिया भी ड्राई रहता है, बिल्कुल ऐसा ही वाला एरिया नोज एरिया जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है कि यहाँ टी जोन पे ऑयल रहता है और यहाँ पे नॉर्मल रहता है तो उनका जो आई एरिया है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होगा, या तो उनकी आई एरिया के ऊपर ऑयल ज़्यादा फील हो रहा होगा या तो फिर वो नॉर्मल उन्हें फील होगा, क्योंकि ये पोर्शन उन्हें नॉर्मल लगेगा और ये पोर्शन उनको बहुत ज़्यादा ऑयली लगेगा, क्योंकि जब वो लाइनर लगा रहे होते हैं या वो जिन लोगों को शिकायत होती है कि जब हम काजल लगाते हैं तो वो फैल जाते ऊपर से फैल जाते, उसकी वजह यही होती है कि उनका उनकी जो स्किन टाइप है वो ऑयली है तो उनका आई एरिया भी बिल्कुल डेफिनेटली ऑयली होगा। तो पहले ऑयल को कंट्रोल करें और फेस पाउडर पाउडर आई शेड पाउडर लगा कर जब काजल वगैरह लगाते हैं तो फिर वो स्टे करता है और फैलता नहीं है। अगर मैं अपनी बात बताऊँ, अगर मैं शादी से पहले की बात बताऊँ तो मैं कभी काजल नहीं लगाती थी और इस तरह काजल मेरी बहन लगाती थी हमेशा, और उनकी आँख यहाँ से ऑलरेडी काफ़ी सारी अच्छी सी मोटाई थी उसमें तो वो टिक जाता था और मेरे नहीं थी, तो मैं जब भी लगा देती वो यहाँ यहाँ तक आ जाता था। और हमने अच्छा मेरे हमने काली कि हमारी अम्मी ने सबको शुरू से सुरमा लगाया तो एक सुरमे लगाने की आदत थी, फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि मुझे आँखों में इन्फेक्शन शुरू हो गया था तो मैंने सुरमे से भी अपने आँखों को खैर बात कर दिया था, तो जब से और इतने की काजल खोल पेंसिल आई मेरे पास हाथ में मैंने उसको कभी ख़त्म नहीं होने दिया और हमेशा वही यूज़ करी क्योंकि वो मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं दाने आके बहुत ज़्यादा, तो मैंने काजल पेंसिल जब से स्टार्ट करी तो मुझे सुरमे तो मैं भूल ही गई कि मैंने कौन से ज़माने में सुरमे लगाए थे। वाह फरत कह रही है कि मेरे साथ भी यही होता है, मैं उनका मैसेज पढ़ रही थी कि मुझे नज़र हो जाती है तो मेरे हस्बैंड या मेरी बेटी नज़र उतारते हैं। वाह माशाल्लाह आप अल्लाह ताला आपके हस्बैंड और बेटी को इस तरह सलामत रखें और लकी हो
खवातीन जिनकी इतनी केयर कर रहे होते हैं उनके चाहने वाले, उनके अपने करीबी रिश्ते जिसमें मियाँ हैं, बच्चे हैं, बाबा बहन भाई हैं, तो अपने आप को हमेशा लकी ही तसव्वुर करें और इनका उसी तरह से ख्याल रखें जिस तरह से के रखने का हक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं बता रही थी कि अभी बताते हैं आईलैशेस का, पहले मेरी वो वाली बात पूरी हो गई, अभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। जी हाँ बहुत ही बोलने लगे रहा। अच्छा जी, तो मैं नहीं लगाती थी और मेरा जो कलर कॉम्प्लेक्शन है वो गंदुमी है, तो वो बहुत ज़्यादा से काला काला लगने लगता था और मैं काली लगने लगती थी, तो फिर मैं नहीं लगाती थी काजल। अब जब ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया आज से 4 साल पहले, तो मैंने हिम्मत की काजल लगाने की ऑरिफ्लेम से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रुकने लगा, वो नहीं फैलता था। अब यह हाल है कि मेरी बहन बिल्कुल भी नहीं लगाती, उनकी आँखें बिल्कुल साफ़ सुथरी कोरी होती है और मेरी आँखों में हमेशा काजल होता है। और हमारे जो अब्बा हैं वो बहुत कम चीज़ों को नोट करते हैं या देखते हैं, उन्हें नहीं पता चलता। लेकिन एक दिन मैंने नहीं लगाया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि तबीयत खराब है तुम्हारी, ऐसा होता है या बीमार हो क्या? मुझे ना मेरे अब्बा को काजल नहीं लगाया, तो चाहो जाओ लगाओ, जल्दी लगाओ ताकि तुम सही लगो, बीमार लग रही हो। तो ये भी होना शुरू हो जाता है। तो आँखों को खूबसूरत दिखना या दिखाना भी हमारे अपने हाथ में ही होता है, जिस तरह से कि उसकी केयर हमारे हाथ में होता है। सवाल क्या है? सवाल है हमारे पास कि आईलैशेस कम हो उसको बढ़ाने के लिए भी कुछ है? बिल्कुल, हमारे जो मस्काराज है, अगर मैं बताऊं कि वो जो 7 दाने नहीं निकलते हैं जिसको क्या कहते हैं आंखों के ऊपर, वो शायद से लेते हैं। अच्छा नाम नहीं लेते, दोबारा आ जाते हैं अभी उसकी वजह से आईलैशेस जो है वहाँ से उड़ जाती है ना, गायब हो जाती है। मेरे साथ यहाँ पर था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑरिफ्लेम के मस्कारा यूज़ करते करते यहाँ पर सच में ये हकीकत है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं जी आप तो इस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप ऐसे ही बोले चले जा रहे हो, ऑरिफ्लेम की दुकान पे। हाँ ऑरिफ्लेम की दुकान, लेकिन ये हकीकत है। हमारे अपने इतने पर्सनल एक्सपीरियंस है ना ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट को लेके कि हम वही शेयर करना शुरू हो तो शायद हमें 3-4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि हमने वो तमाम प्रोडक्ट जो हम खुद यूज़ कर सकते हैं जो हमारी स्किन टाइप हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से वो सब हमने यूज़ किए और वाकई मेरे जो गैप था वो ख़त्म हो गया, वहाँ से आईलैशेस आ गई। और अगर आप रोज़ मस्कारा इस्तेमाल करते हैं काजल लगाते हैं तो सोचिए आपकी आँखों का क्या हाल होता है, जबकि मैं 4 साल से ऑरिफ्लेम के मस्कारा डेली डेली अप्लाई करती हूँ लेकिन मेरी आईलैशेस अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट, अल्लाह का शुक्र है। मुझे अलग से आईलैशेस लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लोकल मस्कारा यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत ही हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, क्योंकि आपकी आईलैशेस के जड़ों में जाकर आपके आई पोर्स को बिल्कुल बंदबारी करते चले जाते हैं, ड्राइनेस कर देते हैं, डैमेज आ जाता है आपके मुंह पे। कल भी हमने डिस्कस किया था मस्कारा को, जब हम बात कर रहे थे कि वो आईलैशेस झड़ाता है क्योंकि उसने बिल्कुल ब्लॉक कर दिया, ऑक्सीजन आने जाने की जगह नहीं, ड्राइनेस दी तो वहाँ से बाल झड़ जाता है आईलैशेस। बिल्कुल। अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे ऑरिफ्लेम में सबसे पहले उस प्रोडक्ट का जो हमारी आंखों की डार्कनेस को कवर कर रही होती है। ये जो डार्क सर्कल हो जाते हैं, वो डार्क सर्कल होते क्यों हैं, किस वजह से होते हैं, हम थोड़ा सा इसके बारे में। बिल्कुल, हमारे पास ज़रा सबसे पहले जो एक बेसिक रेंज में आती है वो हमारे पास आ रही है ऑप्टिमल्स की रेंज। और नॉर्मली ऑप्टिमल्स हम दे रहे होते हैं ऐसे एज ग्रुप को जो कि इनिशियल स्टेज पर उनकी आईज ख़राब होती है, उनके पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इश्यूज नहीं होते। अगर हम बात करें एज ग्रुप, तो रापया हम ऑप्टिमल की जो आई क्रीम है वो स्टार्ट कर सकते हैं आराम से 15 साल की उम्र से? बिल्कुल कर सकते, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना, बिल्कुल आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा लैपटॉप मोबाइल टैब इसमें बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करते हैं और वो उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ काम कर रही होती होती है हमारी आँखें, खतरनाक रेज है। अगर आपकी आई साइट बिल्कुल ठीक भी है तो कोई ऐसे ही प्रोटेक्टिंग ग्लासेस लगाकर ज़रूर मोबाइल यूज़ किया करें, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ कि आंखों के ऊपर बहुत कम एज में ही लाइंस नज़र आना स्टार्ट हो रही है और अपनी एज से ज़्यादा आंखें जो हैं वो बूढ़ी नज़र आना शुरू हो रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल, अंधेरा करके लेट कर रात में मोबाइल को यूज़ करना, ये बहुत ख़तरनाक होता है आँखों के लिए। गेम खेलें या कुछ भी करें आप, अगर आपको यूज़ करना ज़रूरी है, जैसे कि हमारा बिज़नेस इस तरह का है कि हमें ऑनलाइन होना ही पड़ता है, तो कम से कम एटलीस्ट अपने रूम की लाइट ज़रूर ऑन रखा करें, उसकी वजह से बहुत कम एज में लाइन्स आ रही हैं। डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हैं और फिर छोटे मोटे भी नहीं, मैंने यहाँ यहाँ तक के डार्क सर्कल देखे, फिर स्किन का कलर बहुत क्लियर है और इतने कोई ख़तरनाक डार्क सर्कल है कि वो पूरे फेस को बदनुमा दिखा रहे होते हैं, आपकी पूरी पर्सनालिटी को डैमेज कर रहे हैं। आप कोई भी काम करें, सर्कल सारा आते भी इसीलिए ही है कि लेट नाइट मोबाइल यूज़ करना, सही टाइम पे सुनना, पानी की कमी से भी आ रहे होते हैं, आपको किसी की
किस्म का कोई बीमारी है, टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल हो रहे होते हैं, तो इसके लिए अगर आप अपनी तारीख सुनते हुए तो उसको ना कौन अब मारा मजिद हमारे साथ है और उन्होंने बोला है ये मेरी भतीजी है माशाल्लाह पिंक स्टार में पिंक रोज लग रही है आप दोनों अच्छा शाबाश फिर सही किया बेटा थैंक यू सो मच अच्छा जी तो और इसका सबसे बड़ा कमाल ये कि देखिए कलर कोई भी पहन लें कुछ भी पहन लें असल चीज़ें आपकी स्किन अगर आपकी स्किन हेल्दी होगी फ्रेश होगी तो हर कलर आप पे अच्छा लगेगा और आप खुद ब खुद ही अच्छे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे तो ज़रूर केयर करें आज हमारी केयर पर बात करें इंशाल्लाह ताला हम अपने आगे वाले सेशन में स्किन केयर हेयर केयर और तमाम जो और बहुत सारी केयर है उन सब नेल्स की भी मुझे एक सजेशन आई थी कि नेल्स के लिए भी आप बिल्कुल बात करेंगे क्योंकि अभी हम अपने नेल्स अच्छे कर लें थोड़े से क्योंकि हम लोगों से अपने नेल्स संभाले नहीं जाते बाद उसमें करनी चाहिए ना दिन में मेरे नेल्स सेट हो जाते हैं मैं एक हफ्ते में एक दिन अगर ध्यान दे अभी हमें नेल्स पे बात नहीं करनी रहा है अभी हमें सिर्फ आई पर ही रहना है अब फटाफट शुरू हो जाती है ना जल्दी जल्दी बता रहा सब जल्दी बता दो सारी बातें ऐसा नहीं करना है अगर हम वन बाय वन बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा डिटेल में बात कर सकेंगे और सही तरीके से सब लोग अपनी आँखों की केयर शुरू करेंगे जितने भी वो लोग हैं जो जिनकी एज 15 साल है वो खुश हो जाए अगर उनकी आँखों में इस किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है जो हमने बताया उनके लिए हमारे पास मौजूद है ऑप्टिमल्स हाइब्रा आई क्रीम है ये हमारी ना लाइट ब्लू ओके लाइट ब्लू कलर है और सीइंग इज ब्लीविंग के नाम से पहले ये थी हमारे पास और जब ये चली गई थी तो लोग बहुत परेशान हो गए थे अभी भी इसी नाम से रहा सीइंग इज ब्लीविंग के ही नाम से वापस आई कितनी क्यूट है अब सवाल क्या आएगा कि तो इतनी छोटी है तो फिर मैं बताऊंगी कि इसको ये यूज़ भी बहुत मुन्नी सी ही की जाती है आँखें हैं कोई मुँह नहीं है या पूरे पूरे हाथ नहीं है कि आपने पूरा उंगल भर के लगा देना है अपने उस पर बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी क्रीम आपने लगानी होती है लगाने का जो तरीका है वो तमाम आई क्रीम का सेम है वो हम लास्ट में बताएंगे इंशाल्लाह ताला और सबसे पहले हम ये सवाल आ रहा होता है कि हमें कितने टाइम आई क्रीम इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारा स्किन रूटीन है वो 2 दफ़ा इस्तेमाल करने का यानी कि सो के उठने के बाद और सोने से पहले यानी कि जब आप बिस्तर पे जा रहे हैं तो अपना स्किन रूटीन को फॉलो करें जो हम इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे तो उसमें ही हमें आई क्रीम मस्ट अप्लाई करनी चाहिए क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो सोते हुए अल्लाह ताला का निज़ाम है कि वो तमाम सेल्स जो दिन भर टूट फूट का शिकार होते हैं जो थकते हैं वो वापस से रिएक्टिव होते हैं वापस से बनते हैं अगर उस बनने के दौरान हम उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिसकी उसको नीड है तो वो फिर हेल्दी बनते हैं स्ट्रॉन्ग बनते हैं और जब हम सुबह उठते हैं तो फिर हमारी वो एरिया जहाँ हमने उसकी मर्जी की चीज़ उसको दी है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश और हेल्दी दिख रहा होता है फिर जब हम अब हमने क्या करना है जब हम सो के उठ गए हैं तो हमने दोबारा से अपने फेस को क्लेंस किया है तो साथ साथ हमारी आई एरिया भी क्लेंस हुआ है अब हमें दिन भर उसको इस्तेमाल करना है उस चीज़ को उस जगह को यूज़ करना है मतलब आई एरिया हमारा इस्तेमाल होगा हमने घर के काम भी करने अगर हम जॉब करते हैं तो हमें जॉब पर भी जाना है अगर हम करते हैं तो हमने अपनी पढ़ाई भी करनी है हमने वापस से मोबाइल यूज़ करना है रात तक हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा तो उस वक्त भी हमें अगेन आई क्रीम इस्तेमाल करनी है ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके उस स्किन को और वो हिट ना हो सके उन तमाम रेजेस से जैसे सन रेज होती हैं हमारे पास मोबाइल की रेजेस होती हैं इसके अलावा अगर हम किचन में काम कर रहे हैं तो चूल्हे की हीट होती है इसके अलावा झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े या बाहर की धूल मिट्टी डस्ट होती है पॉल्यूशन वो भी हमारे आई एरिया को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही होती है तो वो उससे अच्छे तरीके से कवर कर सकेगी आई क्रीम तो 2 टाइम्स आई क्रीम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप आई क्रीम को अप्लाई कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह ताला हम आपको लास्ट में ही बताएंगे ताकि हम सारी आई क्रीम कवर कर लें ठीक है और सबसे पहली चीज़ ये राबिया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने और क्रीम की आई क्रीम लगाई थी तो सोनी का भी मेरी आपकी रड नहीं सर ऐसा अगर आपको याद हो तो जब मैंने भी फर्स्ट टाइम लगाई थी मैंने बोला था बेकार इतनी क्या कर दिया मेरी आंखें लाल हो गई पूरी की पूरी इतनी यहाँ से सूझ गई थी ना तो जाने आंगन टेढ़ा वाला काम होता है आता वाता कुछ है नहीं और पड़ा को बुरा असल में आई क्रीम जरा हमारे कभी माओ ने या कभी हमारी फैमिली में इस तरह से आई केयर तो किसी को पता ही नहीं थी सिवाय इसके शायद लगा लो आंखों में बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है वाकई या तो कभी कभी जो लोग खुद से घर में दूध मलाई वगैरह लगा रहे थे वो खीरा जरूर लगा अच्छा अभी किसी ने बोला है कि मैं अपनी बेटी के डार्क सर्कल्स के लिए आलू इस्तेमाल करती हूँ तो मैं बताऊँ ये आलू नहीं लगाना चाहिए आंखों पे अच्छा बिल्कुल नहीं आलू आंखों के लिए नहीं खीरा आंखों के लिए आलू जो है ड्राइनेस देगा और रिंकल्स जल्दी आएंगे
उसमें कहते हैं लोग आलू कहते हैं आलू कच्चे खाओ बोलो चाहते मैं वैसे ही आलू बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बतालू हूँ तो मैं आलू से परहेज तो मुझे बिल्कुल नहीं पता आलू के बारे में कि आलू क्या करना होता है तो ना लगाया करें जब तक कि जिस चीज़ के बारे में आपको सही से ना मालूम हो उसकी के वाकई वो काम कर रही है या नहीं कर रही तो इस्तेमाल ना करें। और हर होम रेमेडी जो होती है वो हर स्किन टाइप के लिए नहीं होती। नहीं नहीं सबके लिए होती है। अगर क्या पता है मॉर्निंग शो में बताया जाता है वो तो हर एक ट्राई करना लेकिन वहाँ पर अगर हम गौर करें तो वो कहते हैं आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ करें। अगर ड्राई स्किन है गर्मियों में हर बंदा मुल्तानी मिट्टी लगा रहा होता है ड्राई स्किन और मुल्तानी मिट्टी तो वो तो आपका और गुड सिर्फ अपनी खींच लेगी वो तो और ड्राई हो जाएगी। और जिसकी ऑयली स्किन है वो हरगिज़ भी बेसन के साथ दही मिला के इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो मजीद ऑयली हो जाएगी। तो लोगों को सोच समझ के भी इस्तेमाल करना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अवेयरनेस है हमारे यहाँ सब कुछ ही बताया जा रहा होता है। अच्छा जी हम ऑप्टिमल आई क्रीम की बात कर रहे थे। इसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं कि हमारे आई एरिए को अच्छे तरीके से कवर कर सकें हमारी आई एरिए की उस प्रॉब्लम को जो इस एज में आ रही होती है उसका उससे हमें निजात दिला सकें और अगेन हमारी आँखों को खूबसूरत दिखा सकें और वापस उस लेवल तक ला सकें जैसी ये वो थी। कुछ खबातीन ऐसी होती हैं ज़रा जो इसको देखकर बोलती है कि हालांकि उनके आई एरिया में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं वो बोलती है कि ना बस हमें यही ऐसा नहीं हो सकता यही जितनी भी वो खवातीन जो जिनकी एज 25+ 30+ हो चुकी है वो अपनी एज ग्रुप के हिसाब से ही अगर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। वरना क्या होता है कि फिर वालेकुम अस्सलाम मारिया डेनमार्क से हमारे साथ मौजूद है मारिया जितने भी जो आपका प्रॉब्लम है उसका रिजल्ट फिर आपको नहीं मिल सकेगा। फिर कंपेयर आएगी जी मैंने तो ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट यूज़ की थी लेकिन मुझे बस कोई रिजल्ट नहीं आया था। तो उसकी वजह ये थी कि आपने अपने प्रॉब्लम और अपनी एज ग्रुप के हिसाब से वो प्रोडक्ट नहीं दी थी क्योंकि हमारे पास हर एज ग्रुप के हिसाब से जहाँ स्किन की प्रोडक्ट मौजूद है वहीं उसके साथ साथ हर सेट्स में हर स्किन रूटीन में हमारे पास मौजूद है आई केयर। अगर हम ऑप्टिमल के तमाम स्किन रूटीन की बात करें तो देखें हमारे पास हाइड्रा मैट है दिख नहीं रहे हमारे पास हाँ शायद हाइड्रा मैट हमारे पास हाइड्रा मैट की जो रेंज है ऑयली स्किन के लिए उसमें भी हमारे पास आई क्रीम मौजूद है यानी कि वो स्किन टाइप जो ऑयली है उनका आई एरिया भी यकीनन ऑयली ही होगा तो वो फिर ऑयली ही वाली आई क्रीम इस्तेमाल करें। और एज ग्रुप जो है वो 15 साल से स्टार्ट हो जाता है ऑप्टिमल के लिए। इसी तरह से हमारे पास जस्ट हाइड्रा की रेंज है जिनकी स्किन हाइड्रेटेड है उनके लिए हमारे पास मौजूद है आई क्रीम। और इसके साथ साथ हमारे पास कॉम्बिनेशन स्किन के लिए इवन आउट की आई क्रीम मौजूद है। जो एज ग्रुप हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है इवन आउट में तकरीबन 22+ से हम इवन आउट की रेंज सवाल भी आ गया मेरी एज 23 है डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा है तो आप ही के लिए बता रहे हैं ये आपके पास आपके लिए जाएगा हमारे पास ऑप्टिमल की इवन आउट आई क्रीम। ये हम 22 से स्टार्ट कर देते हैं वरना तो वैसे तो हम इसको 25 से स्टार्ट करना चाहिए लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एज कम है और प्रॉब्लम उससे ज़्यादा एज का है तो फिर हमें एज हमारी सभी स्किन ज़्यादा 10 साल आगे गई बिल्कुल। और ऐसा ही है कि हम अपनी एज से 5-5, 10-10 साल बड़े नज़र आ रहे होते हैं अपनी स्किन के प्रॉब्लम की वजह से अपने आई के प्रॉब्लम की वजह से जिसकी वजह से हमारी एज जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही होती है। थैंक यू सो मच मारिया के नहीं है कि इवन आउट बेस्ट है जी बिल्कुल ये बहुत पहले उन्होंने हमारी तारीफ भी की। अच्छा थैंक यू सो मच मेरा बच्चा मेरी ओके जी। अच्छा एक कंप्लेन आई है कि आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है कम आ रही है तो अगर सबको आ रही है तो प्लीज़ ज़रा बता दीजिए एक दफ़ा ताकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है सबको मिलनी चाहिए बिल्कुल खुल के मिलनी चाहिए बिल्कुल खुल के मिलनी चाहिए ताकि सब लोग ले सकें। तो जितनी भी 22+ की खवातीन हैं लड़कियां हैं खवातीन सब नाराज़ जो लड़कियां हैं जो गर्ल्स हैं जो गुड़िया हैं वो सब ऑप्टिमल आई क्रीम इस्तेमाल करें। नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट है हमारी इसकी आज कुछ हमारी है तो ये बैकग्राउंड की वजह से कुछ ऐसा ज़्यादा वाइट वाइट सा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा है ना कुछ हमें कर देना चाहिए ताकि ये नज़र आए अब नज़र आ रहा है हाँ अब नज़र आ रहा है अभी भी नज़र नहीं आ रहा डॉक्टर खैर मेरे मोबाइल से कैटलॉग सबके पास मौजूद है हाँ और वो देख सकते हैं तो इवन आउट जो है ये हमें इस्तेमाल करनी होती है। और अगर मैं आपको इसको दिखाऊं कि इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल इससे आराम से अप्लाई हो जाती है अप्लाई करना आसान है। और मेरा ख्याल से हम लोग बता देते हैं बताई दीजिए ज़रा अब मैं ही बताती हूँ मुझे धोखा दिया था मेरी आई मेकअप का मुँह आया
हाँ असल में हमें आज करना था लेकिन कुछ टेक्निकल हो गई थी हाथ के बिना मत भी। ओके जी, पहला तरीका आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी ये वाली रिंग फिंगर में इसको निकाल, हाथ निकाल शायद ख़त्म हो नहीं आड़ी रखी हुई थी। राई का दाना मेरी ब्लैक स्टेज में देखिए ये, ठीक है बिल्कुल राई का दाना, ठीक है ये राई का दाना आपने इतना लिया, इसको अपनी फिंगर से ऐसे करके थोड़ा सा लिया, दोनों में आ गया ये राई का दाना। अब आपने अपने आई एरिया को, आई बोन जो हमारी आई बोन होती है ना, ये जो हड्डी होती है आँख की जो बनी हुई होती है पूरी, यहाँ से बस इस जगह पर मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ कोई बात नहीं ओके ठीक है ये हो गया। अब आपने ये एरिया को बिल्कुल आपकी ये जो बोन है यहाँ पे 1 2 3 टैप किया, उसके बाद ये जो आपका आईब्रो का ऊपर वाला हाईलाइटेड एरिया है इसके ऊपर आपने इसी तरह से इसको अप्लाई किया 1 2 3। ये देखें ज़रा कितनी सारी आ गई है ये, बहुत जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था मैं वो भी बताऊँगी बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करना है? ओके जी, उसके बाद आपने ये करने के बाद आपने इसको यहाँ से क्लॉक वाइज आप गए यहाँ तक, यहीं पर ही आपने नोज़ पे इसको रोक दिया, उसके बाद आप एंटी क्लॉक गए और यहाँ तक नहीं करना होता क्या? नहीं ज़रा ये देखिए मैं यहाँ से यहाँ पर आ गई। अच्छा ठीक है ठीक है ओके, ये आए फाइव टाइम और है ना थ्री टाइम में ही वैसे ज़रा ये ड्राई हो जाता है लेकिन अगर फाइव टाइम कर ली तो एक मसाज सा हो जाता है ये वाला एरिया है यहाँ पर आपकी वेन्स आ रही होती है तमाम आईज की, ये वाली ही फिंगर जिसमें अभी क्रीम है आपने इसको यहाँ से 1 2 और 3 करना होता है। हाँ ज़बरदस्त, मैं यहाँ से करती हूँ जैसे इस जगह से जो मेरे ये वाला पोर्शन है ना मैं इसको उठाती हूँ क्योंकि आप चाहते हैं ये उठे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा चलाई मैं सब नहीं आई मुझे ना इस वजह से मैं ये करती हूँ। अच्छा आई क्रीम फर्स्ट टाइम इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लोग कहते हैं कि हमारे पास खवातीन कहती है हमारे पास टाइम ही नहीं होता, इसमें कितनी देर लगी? 30 सेकेंड भी नहीं लगते, 30 सेकेंड भी नहीं लगते। आप अपने फेस को मुंह धो ही रहे ना, फेस को वॉश कर रहे हैं, उसके बाद आपने उसको टॉवल ड्राई करने के बाद आपने जल्दी से एक चुना सा ड्रॉप दिया, और अब जब यूज टू हो जाते हैं ना तो मैं 30 सेकंड भी बहुत ज़्यादा बोलूँ, चंद सेकंड की बात होती है। अगर आप अपनी स्किन को जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहने वाली है उसको चंद सेकेंड नहीं दे सकते तो फिर आप क्या करोगे दुनिया में बच्चों? बिल्कुल सही बात है। मैं थोड़ी सी यहाँ पे सवाल देख रही हूँ, जब मैं बता रही हूँ थोड़ी सी बातें आ रही थी बीच में। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम एश एश के नाम से हमारे पास अफशा है, अफशा वालेकुम अस्सलाम, अफशा डेली होती है हमारे पास। ओके जी, आवाज़ ठीक है हमारी। अच्छा ज़ारा खान हमारे साथ हैं और उन्होंने सवाल किया है कि ब्राइट सबलाइन की आई क्रीम से कोई रिजल्ट नहीं मिला। अच्छा अभी हमको बताएं कि अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं बिल्कुल उसके ऊपर भी आ रहे हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और कौन किसने क्या पूछा है? कलर देख के पहचान लेते हैं क्रीम को और क्रीम यूजर्स बिल्कुल ये तो इतना तो होना ही चाहिए हमें पहचान अपनी प्रोडक्ट्स की, ये कोई भी प्रोडक्ट अगर हमें दूर से दिखा रहा है कोई तो हमें पता होता है, और सभी के अलग अलग इतने इंटरेस्टिंग कलर्स हैं कि हमें बड़े मज़े के लग रहे होते हैं, पता होता है ये किस एज के लिए है, अच्छा ये इस एज के लिए है बिल्कुल। अच्छा जी, तो ऑप्टिमल की आई क्रीम जो है वो हम नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन को दे रहे होते हैं, एज ग्रुप जो है वो 22 से स्टार्ट करके 30 तक रखें, 30 प्लस वालों को ऑप्टिमल रिकमेंड ना करें क्योंकि फिर रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। फिर उनका जो प्रॉब्लम है वो इस आई क्रीम का जो काम है उससे ज़्यादा का है, और जिसका जो काम हमें कहती हूँ हमेशा उससे वही काम लेना चाहिए। अगर आप जिसका उसको साझे, मैं हमेशा मिसाल देती हूँ कि अगर वॉशिंग मशीन है वो भी गोल गोल घूम के उसमें कपड़े धोते हैं और हम चाहें कि हम मसाला भी उसी में पीस लें अलग से ग्लैंडर खरीदने की क्या ज़रूरत है, तो एक जैसे ही गोल गोल घूमती है, तो
ऐसा हो मुमकिन नहीं है, या हम ग्राइंडर मशीन में जाएंगे, चलो हम छोटे छोटे कपड़े उसी में धो लेते हैं, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। तो जिसका जो काम है उससे वही लेना चाहिए, तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। हमारे पास जो कैटलॉग के अंदर रेंजेस मौजूद है, उसमें बेसिक केयर की रेंज मौजूद है, हमारे पास परफॉर्मिंग रेंज मौजूद है, और हमारे पास एडवांस परफॉर्मिंग रेंज मौजूद है। बेसिक से आप बेसिक वाले ही काम लें, उससे वही चीज़ सोचें, वही रिजल्ट आएंगे, और आपके पास जो परफॉर्मिंग रेंज है, वो जो परफॉर्म कर रही है, वो ही परफॉर्म कर सकती है। गाने वाले से आप चाहें कि वो आकर एक्टर बन जाए या फिल्म में हीरो का किरदार अदा करे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो गाना ही अच्छा गा सकता है तो वो गाना ही अच्छा गाएगा, या अगर आप किसी दर्जन से कहें कि वो आकर जो है वो मेकअप करके दिखा दे, तो वो कपड़े अच्छी सीखती है तो वो कपड़े ही अच्छे सीख सकेगी, वो मेकअप सीख सकती नहीं कर सकेगी। तो जिसका जो काम है उससे वही काम है, असल मकसद ये है मिसालों का बताने का। जो एडवांस परफॉर्मिंग रेंज है हमारी, वो एडवांस केयर कर रही होती है, यानी कि एजिंग को कंट्रोल कर रही है। अगर आप हमारी परफॉर्मिंग रेंज से ये काम लेना चाहेंगे कि इससे तो मेरे रिंकल्स ही नहीं गए, इससे तो वो रिजल्ट ही नहीं आया जो मैंने सोचा था, तो इसके अंदर कसूर हमारा है, या तो फिर रिकमेंडेशन करने वालों का कसूर है कि वो गलत चीज़ गलत जगह पर रिकमेंड कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आते, या तो फिर यूज़ अगर रिकमेंड सही किया गया तो फिर उसका यूज़ ठीक नहीं है, अगर यूज़ ठीक नहीं है तो भी रिजल्ट ठीक नहीं आ रहे होते। वरना तो हमारे पास जितने भी लीडर हैं माशाल्लाह, तो लगाना ही चाहिए, अगर हम चार पाँच दिन एक दफ़ा लगा ली तो बिल्कुल। और बहुत सारे दफ़ा आप ऐसा भी होता है कि हमें तीन बार भी इस्तेमाल करनी पड़ जाती है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हाँ। तो हमें 3 times भी यूज़ करनी होती है, क्योंकि हम इसलिए हमेशा ज़रा मैं बोलती हूँ कि ओरिफ्लेम की तमाम प्रोडक्ट्स कंसल्टेंसी के बगैर करनी चाहिए, और जिससे कर रहे हैं हाँ तो उससे यही बात, हाँ, तो अपने जो कंसल्टेंट है उसके साथ कनेक्ट रहें, उसके साथ जुड़े रहें, उसको बताएं हर हफ्ते का अपना फीडबैक, ताकि वो उसके अंदर बेहतरी ला सके, या वो चेक कर सके कि वाकई आप ठीकनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या आपने उसको सही तरह से अप्लाई किया है, ज़्यादा तो नहीं यूज़ किया, कम तो यूज़ नहीं किया, या अगर आपके बताए हुए तरीके से उसने यूज़ किया है तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो वो उसकी टाइमिंग बढ़ा दे कि वो 2 times, 3 times इस्तेमाल करना शुरू करे। या कभी कभी ऐसा भी होता है रहा कि कुछ इन्ग्रीडियंट से किसी को एलर्जी होती है और वो बहुत कम होते हैं, जैसे और वो उनको पता भी नहीं होता, 0.1% उन्हें खुद भी पता नहीं होता, तो कभी कभी हो जाता है ऐसा भी। तो अगर आप किसी के साथ ऐसा हो, क्योंकि मेरी अभी तक की तारीख में मेरे पास 2 ऐसे केस आए थे कि उन्हें कॉलेजन की प्रोडक्ट से थोड़ी एलर्जी हुई थी, तो उसके जो इंग्रेडिएंट था वो उनको सूट नहीं कर रहा था। तो ये कंपनी की सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको इस तरह की प्रोडक्ट से कोई एलर्जी हो रही है, तो आप डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ वो बिल और वो प्रोडक्ट कंपनी को वापस कर दें, तो आपके पास आपके पैसे वापस आ जाते हैं। तो इससे अच्छा तो कोई भी बेनिफिट हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अल्लाह ना करे, तो फिर वो वापस हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर प्रोडक्ट का कसूर नहीं है, उसमें हमारी स्किन पे उस चीज़ की एलर्जी का कसूर होता है, क्योंकि प्रोडक्ट सबको रिजल्ट दे रही है, आपको नहीं दे रही, तो यकीनन आपको उससे एलर्जी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ है इशाल अहमद का, मुझे आइस की एलर्जी है, या ये क्रीम यूज़ कर सकती हूँ? एक्चुअली ये किसी भी किस्म की बीमारियों का इलाज नहीं है ये क्रीम, अगर आपको एलर्जी किस टाइप की है, या कोई क्रीम लगाने से या कुछ करने से या मेकअप करने के बाद आपको एलर्जी होती है, तो वो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और एलर्जी किस तरह की है, मतलब आपकी आंखें रेड हो जाती हैं इस एरिया पर, होता है ना, मैंने देखा है कहीं मेरे पास एलर्जी अगर वो बता रही, तो आई के अंदर होती है, बाहर नहीं हो सकती, थोड़ा रिफाइन कर दो ज्यादा हमारे लिए, हमारे लिए आंखों के अंदर का तो इलाज हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। ये बात ज़हरा बिल्कुल सही बोल रही है कि आपके यहाँ पे कोई एलर्जी आ रही है, तो आप लाजमी बताइए, बिल्कुल वो चीज़ बताएं। मैंने खुद एक खातून को देखा था, उनकी ये चीज़ बिल्कुल रेड थी, बहुत ज़्यादा रेड, तो उनको एलर्जी थी, और जब वो फेस को वॉश करती थी वो मजीद रेड हो जाती थी, उसमें ईचिंग हो जाती थी और सॉइल आ जाता था बाकायदा। तो फिर मैंने उसे कहा था कि नहीं, पहले आप डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद आए, क्योंकि हम स्किन केयर कंसल्टेंट है, हम वेंस केयर नहीं है। तो पहले आइस का कोई भी एलर्जी प्रॉब्लम आपकी वेंस से आती है? अच्छा जी, क्योंकि आंखों का सबसे ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम फेस की है, मुझे पता है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है खुशबू अली, और ये हमारे साथ सांगढ़ से होती है, सना के नाम से, और अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? और सना बोल रही है कि मैं यूज़ कर रही हूँ आई क्रीम, बेस्ट, ज़बरदस्त। अपने आई क्रीम का नेम भी लाजमी मैंशन कीजिएगा अपनी एज ग्रुप के साथ, अगर ज़रूरी समझे एज ग्रुप में आप नहीं आते, जब एज ग्रुप की बात आती जहरा की चेहरे मुस्कुराहट क्यों आती है, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि मैं बताऊँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं ना बताऊँ। नहीं, मेरी वैसे एक जितनी मेरी जानना है सबको पता है, सबको पता है, पर बात नहीं करना क्या है, पर नहीं कहाँ जाते हैं, हमने जाना कहाँ चुका। okay, अच्छा, जब तक हमने बात कर ली ऑयली स्किन, ऑयली आई एरिए की,
और हाइड्रेटेड आई एरिए की, और हमने नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन आई एरिए की, और हमने एज ग्रुप 15 से 30 साल तक हम लेकर जा चुके हैं। अब अगर हमारे पास प्रॉब्लम है ड्राइनेस, हमारा आई एरिया ड्राई है, ज़रा 30 के ऊपर जाने के बाद आपकी ऑटोमेटिकली सिस्टम है हमारी बॉडी का कुदरती तौर पे कि आपके जैसे आपको 30 के बाद आपके पास कैल्शियम नहीं बनता, आपको एक्स्ट्रा कैल्शियम खाना पड़ता है, लेना पड़ता है दूध के ज़रिए, वैसे ही एक कॉलेजन लेवल भी हमारा डाउन पड़ जाता है और कॉलेजन हमें हमारे प्रोडक्ट्स के थ्रू हमें नहीं पड़ता और ड्राइनेस भी आ जाती है, ड्राइनेस आती है ना इसीलिए कॉलेजन लेवल। तो जो लोग शुरू से अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होते हैं, मॉइस्चर रख रहे होते हैं, उनको इस प्रॉब्लम का सामना ज़रा 10 साल 15 साल बाद करना पड़ता है, और जो लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते कि अभी तो मुझे मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी, क्या ज़रूरत पड़ी है कुछ करवाने की, मैं तो गोरी हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है फेशियल और क्लींजिंग की, और मेरी स्किन अभी हेल्दी है, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मॉइस्चर हर एज ग्रुप में और हर वेदर में हर स्किन टाइप में बहुत ज़रूरी होता है, और मॉइस्चर से ही हम हरे भरे रहते हैं। जैसे कि एक पौधा लगाओ और अगर आप उसको पानी ना दें, सिर्फ वैसे पानी देते रहे, उसको धोएं ना, तो पत्ते कितने अनफ्रेश हो जाते हैं ना, तो उनको धोना ज़रूरी होता है, तो वो फ्रेश फ्रेश लगते हैं बिल्कुल। इसी तरीके हाँ, पौधे लगाए बहुत ज़्यादा किया, सब काम है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई काम छोड़ा नहीं है। अब हम बात करें ड्राई स्किन की, तो हमारे पास मौजूद है ऑप्टिमल एज रिवाइव, सब कलर है ना इसका, बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त कलर है, मुझे पसंद है, और इसके रिजल्ट्स मुझे बहुत 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 पसंद है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये आपकी अभी तो हम आई एरिए की बात करें, स्किन की बात करेंगे तो इसकी पूरी रूटीन की बात करेंगे। आई एरिए पर ड्राई स्किन है और आपका एरिया आई एरिया ड्राई है, आपकी जो आई लैशेज के पास ड्राइनेस आना स्टार्ट हो गई है, आप लगा आप खुद देखोगे कि आप इस एरिया पे लगा रहे हो, मगर ये खुद जब एब्जॉर्ब होती है स्किन के अंदर तो ऑटोमेटिकली ये पूरी जगह पर चल ही जाती है, और ये अंदर से आपकी ड्राइनेस को ख़त्म कर रही होती है। बहुत बहुत अच्छा, ये जो यहाँ से लोगों की ड्राइनेस निकल रही होती है, यहाँ ड्राइनेस होती है, ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राइनेस को कवर कर रही होती है, डार्क सर्कल को ख़त्म कर रही होती है, और इससे भी अच्छी बात कि ऑप्टिमल की रेंज में ही हमारे पास एजिंग की रेंज मौजूद है। जितनी भी खवातीन जो 25+ है, 35+ तक, 25 से 35 तक की एज ग्रुप की खवातीन जिनके स्किन पे ड्राई है, वो इस क्रीम को इस्तेमाल करें, आई क्रीम को, आपकी जो रिंकल्स वाला प्रॉब्लम है जो अभी अपीयर होने स्टार्ट हुए हैं, ये उनको बहुत तेज़ी से कवर करें। एक सवाल ज़रा बहुत ही स्टूपिड सा लोग कर रहे होते हैं, मैं सवाल को काफ़ी स्टूपिड समझती हूँ, क्योंकि लोग समझे बगैर ये सवाल करते हैं, रिजल्ट कब तक आएगा, गारंटी दो। अच्छा जी, रिजल्ट ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी क्रीम है, और इसका जो मैं इस सवाल के जवाब देते हैं अभी, और देखिए इसके अंदर बिल्कुल डिफरेंट तरीके का सा एक बॉल है, मसाजिंग बॉल, यानी कि ड्राइनेस को ज़रूरत होती है कि वो थोड़ा मसाज करें, आप उसको थोड़ा सा दबाएं, थोड़ा सा हिट करें, तो आपने इसको अलग से नहीं निकालना, आपने क्योंकि सारे हमारे सेल्स खुश हो जाते हैं जी, और अब आपने क्या करना है, आपने इस एरिया से अपना स्टार्ट करना है, और इस एरिया पर आपने इसको वन टाइम, ठीक है, और आपने इस एरिया पे वन टाइम जस्ट, आप जब इसको प्रेस करके करोगे तो ऑटोमेटिकली सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी निकलेगी जितनी कि आपको नीड है। आप इसको बार बार अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आएगी, सिर्फ एक बार आपने इसको अप्लाई करना है, उसके बाद आपने अगेन उसी तरह, जैसे मैं हमेशा भूल जाती हूँ, रिंग फिंगर से उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5-5 टाइम ज़रूर मसाज करना है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और मैं हमेशा ड्राई स्किन वालों को कहती हूँ कि वो इस आई क्रीम को दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, जब डे में के सेंटर में जब आप फेस को वॉश कर रहे हैं उसके बाद भी आई क्रीम लगाएं, क्योंकि ड्राइनेस जो है वो आ चुकी है, तो मतलब वो सिर्फ आपको यहाँ नहीं दिख रही है, वो है अंदर तक। तो आप जब 3 बार अप्लाई करेंगे तो फिर आपका जो ये प्रॉब्लम है ड्राइनेस वाला, डार्क सर्कल वाला, फाइन लाइंस वाला, वो बहुत अच्छे से कवर। वैसे भी हमारी स्किन का कोई भी प्रॉब्लम थर्ड लेयर से स्टार्ट होके फर्स्ट लेयर पर आता है, तो वो अंदर तक काफ़ी उसकी ड्राइनेस आ चुकी होती है, तभी वो यहाँ पे रिंकल आएगा और वो अंदर तक ही ड्राइनेस की वजह से आता है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये मैंने थोड़ा सा पहले ऊपर कुछ और भी अच्छा मतलब सहरेश है ये जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत सारे रिव्यूज हमारे पास। अच्छा, उन्होंने सना ने बोला है कि मैं ऑप्टिमल आई क्रीम यूज़ कर रही हूँ और एज मेरी 24 है, उसके बावजूद उनको वो रिजल्ट दे रहा, तो इट्स मीन कि उनकी प्रॉब्लम है बहुत इनिशियल, ठीक है, स्टार्ट हुई होगी कंप्यूटर पे वर्क करने से, मेरी आई पे डार्क सर्कल्स थे बहुत और इससे कवर जी, बिल्कुल ओके जी।
जी बिल्कुल, हम पिंक कलर के साथ बहुत, मैंने ऐसे ये कितने महीने यूज़ करे, 3 to 4 months मैंने सिक्स मंथ हम लोग जब यूज़ करते हैं तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हम लोग, क्योंकि हम लिख लेते हैं, और मैं इनसे इसलिए पूछ रही हूँ कि इनके सामने लिखा था हाँ, हम लोग लिख लेते हैं कि हमने कब से स्टार्ट किया है। और मेरी ये हमेशा से आदत रही है कि मैं ये ज़रूर बता रही हूँ कि ये भी बना लेना चाहिए यार, आज मैंने डे रूटीन में ये चीज़ यूज़ करी है कि नहीं करी, ताकि हमें पता चले। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग बोलते हैं इतनी महंगी है, तो ये इतना ज़्यादा चुटनी सी, तो ये मैं आपको बताऊँ कि ये अगर आप डेली अप्लाई करोगे 2 times तो ये 9 to 10 months आराम से चलती है, आराम से चलती है, ये मैं कम बता रही हूँ। वरना मेरे पास जो मेरी अपनी आई क्रीम है, मैं अल्टीमेट टर्म की आई क्रीम इस्तेमाल करती हूँ हाँ, मैं थोड़ी सी कम से कम इतनी एज में तो है कि प्रोडक्ट मिल रही है आपके लिए हाँ ये तो सबसे बड़ी खुशी है कि हमारे लिए प्रोडक्ट मिल रही है। अल्लाह करे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहे और बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बोला था, बहुत सीरियस टॉपिक है बड़ी हेल्थी के, सीरियस कैसे रह सकते। तो आप इसको आराम से इस्तेमाल करें, और इसकी क्वान्टिटी बहुत अच्छी है, आप इसको जब भी यूज़ करें प्लीज़, मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छे तरीके से कवर करके वापस, जब तक कि अच्छी तरीके से टाइटली बंद ना हो जाए प्रोडक्ट, उसको ना रख दिया करें जल्दी जल्दी रखा और रख दिया, तो जितना ज़्यादा एयर के साथ पोल्यूशन जाएगा तो भी प्रोडक्ट जो है वो रिज़ल्ट नहीं देती होती। वरना तो क्या होता है कि हम लोग कोशिश करें कि जितनी भी प्रोडक्ट है जब उसके कैप को आप अच्छी तरह बंद करेंगे, उसको निकालते हुए एहतियात बरतेंगे, तो आप ज़्यादा अर्से तक चलेगी तो ज़्यादा रिजल्ट भी अच्छे देंगे। वरना तो क्या होगा, आप उसके कैप को आधा बंद, आधा कैप लोग, मैंने देखा है इतनी लापरवाही से आधा कैप खुला हुआ होता है आधा बंद नहीं होता, उसमें एयर मुसलसल सारा दिन 12 घंटे उसके अंदर एयर के साथ डस्ट और वो सब भी जा रहा होता है। आप मुझे तो नहीं है भी रिजल्ट हो रहा है, आज आपने मेरी लिपस्टिक हाफ खुली भी देखी जी, बिल्कुल ऐसा ही। तो और मैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम इनके प्राइस भी साथ साथ बताते चले जाते हैं, हमने प्राइस आज नहीं बताया, ऑप्टिमल के प्राइस बता दें, डिस्काउंट है जी ज़बरदस्त। कल हम बता रहे थे मेकअप के डिस्काउंट, तो यहाँ पर आई क्रीम पे भी डिस्काउंट मौजूद है। ओके जी, ये है हमारी ओरिजिनल प्राइस 1329 rupees, ये वाली आई क्रीम ऑप्टिमल ऑप्टिमल्स हाइड्रा वाली, जो कि हम किस एज ग्रुप को दे रहे हैं ज़रा 15+ से, क्योंकि रमज़ान है, कोई नहीं सो रहा, सब मोबाइल पे हैं, ऑनलाइन पूरी रात सब नज़र आ रहे हैं, और नींद बहुत, वो फिर दिन की नींद रात की नींद का मुकाबला नहीं कर सकती, तो डार्क सर्कल है, ड्राइनेस है, पानी की कमी, जाहिर सी बातें है ही, तो डिहाइड्रेशन का शिकार है। इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट जो है ना, कि इन्ग्रीडियंट्स भी मौजूद हैं, क्योंकि आपकी स्किन को माहौल की आलूदगी से भी, बिल्कुल ये ज़रा बता दूँ, वो तो हमारी तमाम रेंजेस में मौजूद है कि आपको जितनी भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है उससे आपको ये बचा रही है। तो 1329 पे आपको कितना डिस्काउंट चाहिए बोलो आज यार दे तो अच्छा खासा था कि मैं ले लूँ, मतलब अगर एक प्रोडक्ट मुझे हर मंथ सस्ती से सस्ती पड़ जाए तो क्या होगा, इसको ना उठाएं, इसको ये इसकी बात करें ठीक है। 1329 की है और डिस्काउंट पर इस वक्त कैटलॉग में मौजूद है 999 rupees की। ज़रा हैप्पी इतनी नहीं दिखी वैसे मुझे, क्योंकि आपको अगर डिस्काउंट और चाहिए यार, अगर मैं कंसल्टेंट हूँ तो मुझे तो और मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा तो ये ले सकते हैं जितनी भी 15 साल से 25 साल तक के लोग हैं, वो लेडीज एंड जेंटल दोनों के लिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा ये तो सारी खवातीन की ब्रांड है, हम क्या करेंगे, हम क्या लेंगे इसके अंदर, हमारी प्रोडक्ट तो इडविल सेक्स पे आप यूज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये मेल फीमेल दोनों पे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बेनिफिट देती है, अपने पूरे पूरे रिजल्ट्स देती है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मेल्स के लिए और ये फीमेल्स के लिए है। हाँ कुछ प्रोडक्ट हमारी स्पेशली डिज़ाइन की गई है जेंट्स, कलर कॉस्मेटिक्स चाहे तो लगा यार, आजकल आदमी लगाते हैं ज़रा, ये छुपाने वाली बात नहीं है, यहाँ पर आदमी भी हमारे साथ मौजूद हैं, जेंट्स आदमी नहीं, अपने आप जो लड़के हैं वो लड़के ही दिखते हैं, और जी हाँ, और हमारे बड़े हमेशा बोलते हैं कि लड़कों की कमाई दिखी जाती है और उनकी खूबसूरती नहीं दिखी जाती, लेकिन स्किन का ख्याल रखना जरूरी है, दाने आ रहे हैं, कोई पैचेस आ रहे हैं, तो वो हम जब जेंट्स की रेंज पे बात करेंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए जो अलग से बिल्कुल हमारे पास डिज़ाइन की गई है उसके बारे में
कि गर्मी बहुत है, यूज़ कर रहे हैं हम लोग, लगा रहे हैं, पर ये टेम्परेचर के लिहाज से कैसे रखनी चाहिए? इसको फ्रिज में रखना है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रूम टेम्परेचर है उसके ऊपर हमारी प्रोडक्ट रखी जा सकती है। आप रह रहे हैं, ऐसा ना हो कि उस रूम के जिस दीवार पर आपकी ड्रेसिंग है उसके पीछे बिल्कुल चूल्हा है या धूप का सीधा। हाँ, ऐसा नहीं है कि पीछे आपकी जो दीवार है उसके पीछे डायरेक्ट आपका सहन है और धूप आती है, तो वो रूम टेम्परेचर है। अलमारी के अंदर बंद करके ना रखें, ड्रेसिंग के अंदर बंद करके ना रखें। जहाँ थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर है आप वहाँ रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पूरे घर के अंदर ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर आप इसको थोड़ा सा इस जगह पर रखें जहाँ इसको थोड़ी सी ठंड। अच्छा सर, हम इसको पता है एक और पोर्शन में रख सकते हैं, आपकी इस बात से मुझे याद, वो जो हमारे फ्रिज में सब्जियाँ रखने वाली जगह होती है ना, वो काफ़ी बॉक्स के अंदर होती है, तो शायद अगर बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी जब आप 40 से ऊपर टेम्परेचर जाए, जब आप यार नहीं, मैंने कहीं अभी तक नहीं पढ़ा उनकी प्रोडक्ट के कहीं पर भी। हाँ, रूम टेम्परेचर रखें ऐसे ही, ऐसे रूम टेम्परेचर का ही पढ़ा है, तो जो चीज़ हमने नहीं पढ़ी नहीं है हमारी इन्फॉर्मेशन में, हमारी नॉलेज में, वो हम कभी भी नहीं बताएंगे कि आप उसको फ्रिज में रखें। हो सकता है ज़्यादा ठंडक से ये कुछ और करना शुरू हो। वैसे कैटलॉग में अगर पढ़ेंगे ये तमाम बातें वहाँ पे मौजूद होती हैं, हर प्रोडक्ट के बारे में। थोड़ी सी गूगल की मेहनत भी कर लेंगे, गूगल भैया हमारा बहुत बड़ी की मदद करेगी। बिल्कुल, गूगल भाई जिंदाबाद। गूगल भैया है भाई सही है। अच्छा, गूगल माँ। अच्छा जी, अच्छा ऑप्टिमल की जो आई क्रीम है उसके प्राइस भी बता दीजिए हमारे पास। अच्छा, ये लास्ट 2 मंथ से हमारे पास तो बड़े अच्छे डिस्काउंट पर थी, अब इस दफ़ा कंपनी ने बोला बस इतना क्या बच्चे की जान लोगे। ये हमारे पास पेज नंबर कैटलॉग के 80 पर मौजूद है और ये है 1649 रुपीज़ की। मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है, 9 महीने 10 महीने कम से कम इसने यूज़ होना है, तो अगर डिस्काउंट चाहिए तो ज्वाइन कर लेना, नंबर बन जाए, हमारे पास आ जाए ना, आपको डिस्काउंट ही डिस्काउंट मिलेगा। रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा, तो जितने वो लोग जो अभी तक हमारे मेंबर नहीं बने, हमारी टीम का हिस्सा नहीं है और हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल हमारी तरह दिखें, हमारी तरह बोले और उनके पास हमारी तरह की इन्फॉर्मेशन हो, तो वो हमारी टीम का हिस्सा बने, हमारे साथ ज्वाइन हो और वो भी अपनी लाइफ के अंदर इसी तरह की चेंजिंग लेकर आए जैसे कि हम लेकर आए। और इस ऑप्टिमल आई क्रीम को मज़ीद 20% डिस्काउंट पर हासिल करें अपनी ही मेम्बरशिप और रजिस्ट्रेशन के थ्रू, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं 10 मंथ तक आराम से। अच्छा, इवन आउट आई क्रीम जो हमने बताई थी आपको ऑप्टिमल्स की, जो कि हम 20+ को दे रहे हैं, 20+ को दे, हाँ 20+, ठीक है, तो उसकी प्राइस है 1429 रुपीज़। और एज यूजल अगर आपको इससे ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो अभी ज्वाइन कीजिए हमें, हमारे रजिस्ट्रेशन लिंक को क्लिक कीजिए और आज ही रजिस्टर्ड हो जाइए सेल्फ ज्वाइनिंग के साथ। ऑप्टिमल की रेंज में सिर्फ अभी हमारे पास हाइड्रा मैट की आई क्रीम यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी ऐसी ही दिखती है, सेम ही ऐसी नहीं, अलग नहीं, वो यही है उसके अंदर रेंज के अंदर। अच्छा। उसके अंदर अगर ऑयल कंट्रोल का एक फ्लूड है उसके अंदर। अच्छा, ओके, ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी एडवांस परफॉर्मिंग रेंज पर, जिसको के ये भी यूज़ करती है। अच्छा, एडवांस परफॉर्मिंग रेंज पर हम आते हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ है कि हमारे पास 25+ में कुछ इस तरह का आई एरिया हमें देखने में मिलता है, जिनकी एज तो 25 है लेकिन वो दिखने में उनकी जो आई एरिया है वो 35 से भी ज़्यादा का दिख रहा होता है। आँखों के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल मौजूद होते हैं और ये कहलाती है प्री मेच्योर एंटी एजिंग। प्री मेच्योर एंटी एजिंग के आपकी एज नहीं है लेकिन एजिंग आ चुकी है, बारीक बारीक लाइंस आ गई हैं, तो अब बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें, अगर एंटी एजिंग यूज़ करेंगे तो वो शायद हमारे लिए बहुत ज़्यादा हाई फार्मुलेशन वाली क्रीम ना हो जाए। तो हमारे पास जो एडवांस परफॉर्मिंग रेंज है उसके अंदर मौजूद है ब्राइट सप्लाई। बिल्कुल, ब्राइट सप्लाइंग बहुत अच्छी आई क्रीम है, इसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त आई क्रीम है और सबसे अच्छी बात है कि ये एजिंग को भी कंट्रोल कर रही है, तो वो तमाम बच्चियाँ हम इसको 25 से 35+ तक रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपका जो मैंने प्रॉब्लम बताया वो प्रॉब्लम आपका 20+ में भी आ गया है तो आप इस आई क्रीम को इस्तेमाल
कर सकते हैं नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन, नॉर्मल टू ऑयली स्किन को ये क्रीम हम रिकमेंड करेंगे। डार्क सर्कल को कवर करेगी, डार्क सर्कल के साथ साथ वो तमाम बच्चियाँ और बच्चे जिनका वर्क बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का है, बाज़ लोग तो ऐसे ही शौक में लगे पड़े हैं ना, जिनका वाकई वो उनका काम ही लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास जो इसके बगैर उनका वर्क ही पूरा नहीं होता। नौशीन साहब अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, और डेली ज्वाइन करती हैं एंड बहुत अच्छा लगता है, आपके कमेंट बहुत पसंद आते हैं और बहुत ज़्यादा हम मोटिवेट हो जाते हैं। हमारी अपकमिंग सफायर डायरेक्टर भी हमें देख रही हैं और हमें अप्रिशिएट कर रही हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम इस आई क्रीम को वो लोगों उन लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी आई क्रीम है और इसको दिन में 3 बार इस्तेमाल करें क्योंकि उनका काम जो है वो दिन रात में तकरीबन 24 घंटे में से वो 18 घंटे लैपटॉप पर ही होते हैं, मोबाइल्स पर ही होते हैं, तो हर वक्त उनकी आई पर अगर इसकी कवरेज रहेगी तो फिर वो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं डार्क सर्कल के, प्रीमेच्योर फाइन लाइन्स के, पफिनेस के वो, और थकन के जो बोझलपन हो रहा होता है, आँखें भारी हो रही होती हैं, वो इस आई क्रीम की वजह से निजात हासिल कर सकते हैं। हाँ ओके जी, इसकी सेट लेने पे आपको बहुत ज़्यादा जो है कि अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप पूरा का पूरा सेट परचेज करते हैं। अगर आप इंडिविजुअली इसको परचेज कर रहे हैं तो ये हमारे पास मौजूद है ओनली 2000 रुपीज़ में आपको एक ऐसी आई केयर मिल रही है जो आपके इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। 9 मंथ 10 मंथ आराम से चलती है, आराम से अगर हम दिखाएं तो ये किस तरह से है, अच्छा सा पॉइंटेड इसका, इसकी आपने इसी तरीके से जैसे हमने ऑप्टिमल की बताई थी, आपने एक ड्रॉप निकालना है, उसके 2 पोर्शन करने हैं और फिर उसको आपने इस तरह से अप्लाई कर देना है, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज आपको इसका मसाज करना है 5-5 टाइम और उसको छोड़ देना है। इसके बाद जितनी भी बहुत सारी खवातीन लड़कियाँ कहती हैं क्या हम आई क्रीम लगाने के बाद मेकअप कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं अपनी एक अगर टिप बताऊँ तो मैं आई मेकअप करने से पहले लाजमी आई क्रीम लगा लेती हूँ, मैं भी लगाती हूँ, मास्क लगाती हूँ क्योंकि सुबह रिलैक्स हो जाती है, हाँ थकन नहीं होती क्योंकि हमारा भी दिन भर का काम मोबाइल और इस पर ही रहता है और दिन भर हम देख देख कर भी थक रहे होते हैं चीज़ों को, पढ़ पढ़ के कैटलॉग में से चीज़ों को बताकर, तो भी मैं मास्क लगाती हूँ, मैं सुबह और रात नहीं नहीं ये नहीं लगाती, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, तो बहुत छोटी हूँ ये लगाती हूँ। वैसे पता है जब हम कंसल्टेंसी ले रहे होते हैं ना तो लोग ऐसी मुनिया बन जाती हैं कि नहीं नहीं, एक तो मुझे याद मुनिया बन जाती, सच बता रही हूँ, एक तो ऐसी थी जिन्होंने मुझे बोला, मैंने उनसे उनका एज ग्रुप पूछा, ज़रा लिटरली मेरी हंसी छुटी, मैंने उनको ऊपर देखा मतलब मैं उनको आंटी आंटी बोल के बात कर रही थी और उन्होंने मुझे बोला मेरी एज ग्रुप होगा 30-32 साल, मैं सी हो गई, मैंने मैं आपको प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं कर पाऊँगी, एज सही बता दें, हाँ हाँ इतनी होगी, वो एक मुझे ऐड याद आ गया कि बस चाहे मुझे मौत वाकई हो जाए पर मैं इससे ज़्यादा नहीं हो सकती मुझे अचानक वो बंदी याद आ गई थी, हमने जो एक मैंने वीडियो देखी, और वैसे भी बीइंग अ कंसल्टेंट हम लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि खवातीन पता चल जाता है ना एज ग्रुप क्या है। बताऊं राफिया, मैं आपको खवातीन ही नहीं जेंट्स भी अपनी एज बताते हैं और खास तौर पे वो जेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा खूबसूरती का शौक होता है ना, वो छुपा रखते हैं, नहीं नहीं मतलब इतनी कम भी, और मुझे ये मैम ज़हरा ने ही बताया था कि वाइटनिंग क्रीम्स यूजर्स सबसे ज़्यादा खवातीन और जेंट्स को कम जेंट्स रेशो है, ये अलमिया रेशो है, पाकिस्तान का रेशो है, एशियन रेशो है, सब जगह आजकल लेडीज ही जेंट्स भी बहुत ज़्यादा गोरे होने की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करते हैं और बहुत खतरनाक खतरनाक किस्म के हमारे पास जो है वो आ रहे होते हैं ना हमारे ग्रुप के अंदर पिक्चर्स के साथ। एक जेंट्स का आया और उसने ना वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवाए थे और अच्छा खासा डार्क कलर था उनका और उन्होंने वो इंजेक्शन लगवाया था, उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया उससे और पूरी स्किन जो डार्क कलर था उनका पहले ही और उस डार्क कलर के अंदर और मजीद डार्क डार्क रेड एंड ब्लैक पैचेस बन, वाइटनिंग नहीं आई बल्कि उल्टा असर हो गया, रेड एंड ब्लैक पैचेस बन गए पूरे फेस पर, तो वो जो एक अच्छा सा कलर था उनका उसको वो इन्हेंस कर सकते थे क्योंकि सांवले कलर या काले कलर को लोग बड़ा अजीब लेके जा रहे होते हैं और अगर आप उसको इन्हेंस करें खूबसूरत बनाए तो खूबसूरत दिख रहा होता है, तो आपने अपनी आई एरिए को भी इस
इसी तरह से केयर करनी है अपनी एज के हिसाब से, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, अपने प्रॉब्लम के हिसाब से हमारी आई क्रीम लीजिए। अब तक हम आपको चार चार आई क्रीम्स के बारे में बता चुके हैं, पाँच बल्कि पाँच की, यानी इसी तरह की हमारे पास पाँच तरह की स्किन टाइप है, तो हमारे पास उसी तरह की प्रॉब्लम और उसी तरह की आई क्रीम है। अब हम बात कर रहे हैं उस उन आई क्रीम्स की जो यहाँ भी है ज़्यादा मुन्नी ना बने। अच्छा आप आपकी बच्चियाँ भी जो है ना वो मुन्नी मुन्नी की रेंज से थोड़ा ऊपर आ चुकी है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ख्र है। ये तो खैर सारी मजाक की चीज़ें हैं कि अल्लाह ताला ने, बहुत सारे लोग समझते हैं अगर हम एज बताएंगे तो वो पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन मैं अपनी एज खुले दिल से बताती हूँ। और अगर अल्लाह ताला ने हमें इस उम्र तक पहुँचाया, ये भी शुक्र है परवरदिगार का कि हेल्थ के साथ, सेहत के साथ और खूबसूरती के साथ और अकल के साथ हमें पहुँचाया कि हमें अल्लाह ताला ने इतनी अकल दी कि हम अच्छी और बुरी प्रोडक्ट में तमीज़ कर सकें और हम एक अच्छी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए अपनी एज से कम कम दिखते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। एडवांस मैं नहीं बताऊँगी इसके बारे में, सॉरी आप खुद ही बता वैसे रिजल्ट लिया होता है ना एक दफ़ा यूज़ करके, उस वो जो जितने कॉन्फिडेंस है वो बात बताएगा ना उतना तो शायद मैं राफिया अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बात कर रहे हैं इसके बाद मेरी आई क्रीम की ऑप्टिमल, ओ सॉरी मतलब वो मुन्नी जो सोच है तो मैं यूज करती हूँ, ये वही है लोग, ये वही लोग हैं नो वेज अल्टीमेट लिफ्ट आई क्रीम। अगर आप देखें मेरे आई एरिया को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी एज से के हिसाब से बहुत अच्छा है, वरना मैं अपनी एज ग्रुप की खवातीन को देखती हूँ तो हाँ खवातीन ही हुआ अपनी एज की खवातीन को देखती हूँ तो उनका आई एरिया बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ होता है, बहुत ज़्यादा लाइंस होती है नीचे भी और ऊपर भी और सैग कर जाती है, हाँ सैगिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, और आई एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा होता है, जबकि हम इतना ज़्यादा वर्क करते हैं हमारी आँखें भी उतनी ही थकती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर मेकअप यूज़ करने के बावजूद मैं डेली इसको दो दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ, तीन दफ़ा नहीं करती, सुबह और रात यूज़ करती हूँ इसको और उसी तरह यूज़ करती हूँ जो तरीका आपको बताया, और उसके अंदर बड़ा अच्छा सा एक फीचर है, इसको आप पुश करेंगे, आप जब एहतियात से करिएगा टक 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 पुश कर देंगे तो बहुत सारी निकल वही राई का दाना ही निकाल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने वैसे इसको आप यूज़ कैसे करते हैं मुझे तो पता नहीं ना, मैंने कभी यूज़ नहीं करी, तो इसका भी वही राई का दाना निकलता जी वैसे मैं आपको बता दूँ पहले तो ये बता दूँ कि मैं ये बता देती हूँ कि मुझसे कोई बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है, जितना ये छोटी बनने की कोशिश कर रही है, क्रीम की बात नहीं करेंगे, मैंने आपको ये बताया चले जरा ये बहुत अच्छी आई क्रीम है पहले एज और पता है ब्राइट सप्लाई भी बहुत अच्छी आई क्रीम थी लेकिन रोशन नाम कोई कमेंट कर रही हमें अच्छा आई क्रीम का यूज़ रियली आवाम को अंदाज़ा नहीं इम्पॉर्टेंस का, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा मैंने फ़ौरन अपनी आई क्रीम पर चली गई और जो राफिया की आई क्रीम है मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ ताकि आपको पता चले कि ये इस एज ग्रुप की है। अच्छा जी अल्टीमेट लिफ्ट नोवेज आई क्रीम जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं 35+, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जब प्रॉब्लम आ जाती है उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, जब प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है तो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि 35+ के बाद तो हमारे पास अभी 35+ तक आपकी आंखें बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही एक साल और गुजरा आप 37 की एज में अचानक से बहुत सारे रिंकल्स नज़र आना शुरू हो गए, अचानक से सैगिंग आ गई, तो ये सब कुछ अचानक से नहीं होता, अंदर सब कुछ हो रहा होता है जो हमारे आंखें कैप्चर नहीं कर रही होती, हमें दिख नहीं रहा होता, लेकिन वो अचानक से एक साल बाद जो आ रहा होता है वो अचानक नहीं होती, वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है और जो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि अंदर उससे कहीं बड़ा प्रॉब्लम मौजूद है। तो आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जितनी भी वो खवातीन हैं जो 35 की हो चुकी है वो अल्टीमेट लिफ्ट आई क्रीम इस्तेमाल कर लें, क्योंकि एक साल बाद अचानक से उन्हें कुछ नज़र आ जाएगा और वो परेशान हो जाएगी। और मैं इसको भी यही कह रही हूँ कि यूज़ कर लो, क्योंकि फिर ये अचानक आने वाली जो आमद है उससे आप बच जाएंगे। अगर हम अपनी टॉप लीडर की बात करते हैं, पाकिस्तान की टॉप लीडर टॉप अर्नर मैम शायमा ज़हीर, वो इस अल्टीमेट लिफ्ट की आई क्रीम को तकरीबन 3 साल से इस्तेमाल कर रही हैं और उनका आई एरिया जो है बहुत ही कोई औसम और बहुत ही यंग लुक उनका नज़र आता है, और इस तरह से हमारे पास और बहुत सारे लीडर्स हैं जो अल्टीमेट
नो वेज आई क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं और अपनी एज से वो 5-8 साल कम ही नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन ज़रा लोग कर रहे होते हैं कि ठीक है अच्छी प्रोडक्ट है हम खरीद रहे हैं हम सब कुछ मंगा रहे हैं कब तक यूज़ कर रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा सवाल लगता है कि अभी तो यूज़ कर ले फिर बाद में वापस अपने हार्मफुल केमिकल पे चले जाएंगे हम वापस। नहीं देखिए एक चीज़ है हमारी स्किन प्लास्टिक की तो है नहीं, पहली चीज़ तो है सांस लेती है जिंदा है और इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि एक क्रीम ख़त्म होने के बाद जो जी हमारे तो अभी मैं 35 की और इस एक क्रीम को एक साल इस्तेमाल किया मैंने तो मैं 35 की जगह 34 की हो गई है ना, एज तो पीछे नहीं जा रही आपकी, एज तो हर साल बढ़ ही रही है तो यकीनन आपके साथ प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। तो हमें अपनी स्किन की जो रूटीन है जो केयर है वो स्टार्ट कर दी तो फिर कर दी, हमें उसको स्टार्ट करते ही रहना है। हाँ ऐसा हो सकता है कि बीच में आपने वीक में 1 टाइम इस्तेमाल करना भूल गए तो खैर है, कभी आपने मंथ में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल नहीं की तो खैर है, लेकिन आपने इसको अपनी रूटीन में रखना है क्योंकि प्रॉब्लम आ चुका है और प्रॉब्लम आता ही रहेगा उससे रुकना नहीं है। अगर ऐसा आप कभी नहीं भूलते अगर आप सिर्फ 1 मंथ रेगुलर लिख के अपनी प्रोडक्ट, बिल्कुल भाई खवातीन के बस लगाने का टाइम नहीं है, हम लिखने की बात टाइम मिल जाता है, वो जो ड्रामा सीरियल्स देख रहे होते हैं ना उस पर एक पेपर लेके बैठ जाए, वो जो कल जा तुझे माफ किया कि बड़ी कहानियाँ मैं सुन रही थी यहाँ से सारे ड्रामों के नाम पता है कब ख़त्म हुआ ये भी पता था मैं तो नहीं, खैर ये मुझे भी पता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पाकिस्तान टीवी ड्रामा सारे के सारे देखती हूँ, बहुत शौक से देखती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, और जब तक मैं रात को ड्रामा देखती हूँ मुझे नींद भी नहीं आती सच, मैं तो गेम खेल के सोता नहीं, मैं गेम नहीं खेलती और मैं सिर्फ ड्रामाज देखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने उन ड्रामा से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीख लेती हूँ, गेम से भी सीख लेती हूँ। क्या सीखती हो आप, क्या कौन से कलर को कहाँ पे एक सही मैच करता है। अच्छा जी इसकी जो प्राइस है वो है 2400 रुपीज, और अगर आप इसको डिस्काउंट पे चाहते हैं तो फिर आप अगेन ज्वाइन ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वाकई हमारी तरह नहीं है तो हमारी तरह दिखें तो फिर मेरी तरह आपका आईलेट हो और तो आप इसका इस्तेमाल आज से स्टार्ट करते हैं, इसको ऑर्डर कर दें, आप हमें इनबॉक्स में इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, हम आपको इसको डिलीवर करवा देंगे, और जो लोग हमारा लाइव सेशन देखकर ऑर्डर करेंगे प्रोडक्ट्स का हम उनको फ्री डिलीवरी भी देंगे। एक और नया है मालिया माजिद क्या कह रही है स्किन के क्या दवा है ये स्किन की नज़र नहीं आया, स्किन की ये दवा नहीं है ये गज़ा है, डेली रूटीन में यूज़ करें। वाह कितनी अच्छी बात बोली है मारिया ने कि ये दवा नहीं है ये गज़ा है, रोज़ खाना खाना है तो रोज़ ये भी लगाना है, बहुत थैंक यू सो मच मारिया इतना ज़बरदस्त बात बताने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए, इसको इस्तेमाल करें। इसके बाद में ज़रा आ जाती हूँ उस आई क्रीम पर जो आप लेकर नहीं तेज़ है ये नहीं बताना चाहती कि ये क्या यूज़ करती है और किस एज ग्रुप में है, तो हमारे पास मौजूद है अभी हमने बात की ब्राइट सब लाइन जो हम 25+ से स्टार्ट कर रहे होते हैं और नो वेज अल्टीमेट लिफ्ट जो हम 35+ खुद से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, अब इसकी जो बीच की एज होती है वो है हमारे पास खबरदार जो गलत क्रीम बताई तो नहीं पहले खोला इसलिए कि वो और ये तकरीबन सेम एज नो वेज ई कॉलेजिन, यस नो वेज ई कॉलेजिन की रेंज है और ये हम 30+ से स्टार्ट करवा देते हैं और ये हमारी कॉलेजिन की कमी को दूर कर रहा होता है, तो इसकी आई क्रीम भी यही काम कर रही होती है और ये जो है हम आपको पता चल गया होगा कौन से एज ग्रुप के अंदर है और माशाल्लाह माशाल्लाह से, वैसे तो हम अपनी सही एज भी आपको बता देंगे बता दें आप चाहेंगे तो मौजूद नहीं है उसके आगे भी ऐसा ही बॉल लगा हुआ है, इसमें प्लास्टिक बॉल है तो उसके अंदर सिल्वर बॉल स्टील बॉल स्टेनलेस स्टील के लोग सोचते हैं कि ये लगाने से स्किन पे तो मजीद कोई प्रॉब्लम आ जानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा मसाज के बहुत बेहतरीन बॉल। अब आप देखें कि हर आई क्रीम का जो जो इसका पॉइंटेड एरिया जहाँ से क्रीम निकलती है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी भी कोई एक साइंस है कि जिस एज ग्रुप को जितनी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको हम आई बॉल वाली चीज़ दे देंगे कम एज में तो वो खेलने शुरू हो जाएंगे, लगाते ही रहेंगे वो मज़ा आ रहा है बहुत, तो जितना जहाँ जैसे यूज़ करवानी है उसको उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है, ये सबसे अच्छी बात है इसमें, और आई केयर करते रहिए करवाते रहिए खूबसूरत नज़र आए
और खूबसूरत बनाएं लोगों को, क्योंकि आप सिर्फ खुद खूबसूरत नज़र आएंगे तो सब आपकी तारीफ करने वाले 20 लोगों में से सिर्फ 2 लोग होंगे और 40 होने वाले खराब होंगे। लेकिन अगर आप खूबसूरत बनाएंगे तो 20 के 20 लोग आपकी भी तारीफ करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको खूबसूरत दिखाने में आपका बहुत बड़ा किरदार होगा, आपका बहुत बड़ा साथ होगा। तो कोई भी चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, वरना ख़वातीन अक्सर चीज़ें छुपा रही होती हैं। और ओरिफ्लेम की सबसे अच्छी बात है, जो ओरिफ्लेम बिज़नेस करना चाहता है ना, उसको ये प्रैक्टिस करनी होगी कि वो सब कुछ बताना शुरू करे। जो लोग छुपाते हैं वो शायद ओरिफ्लेम नहीं कर पाए, क्योंकि ओरिफ्लेम के अंदर मुंह धोना है और सच बोलना है, सच बोलना जो लगाना है वो बताना है। अच्छा जी, सादिया एहसान हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने बोला है कि ओरिफ्लेम हेयर लॉस के लिए भी कुछ है। बिल्कुल, हम हेयर पे बिल्कुल एक सेशन करेंगे, तो हम हेयर पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, हेयर के बारे में, हेयर प्रोडक्ट के बारे में। और जी टॉपिक पे रहिए, इस वक्त आइस की टॉपिक है, आंखों के गाने गा रहे थे लोग शुरू में, तो याद होना चाहिए कि आज इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। ओके जी, गजाला गजल ने हमसे पूछा है, मैम एज रिवाइव गेन नाइट क्रीम कितनी एज से यूज़ करते हैं और इनके क्या बेनिफिट्स हैं? ऑल्सो वन आक्स के लिए, ऑयली स्किन के लिए है, ये ड्राई के लिए। ओनली वन आंसर आप दे दीजिए सहरा, स्किन केयर पे नहीं है, स्किन केयर की बात करना चाह रही है, पूछ रही है कि एज वाइज डे एंड नाइट क्रीम हम कितनी एज से यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी तो हमारे स्किन का सेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको आंसर दे देती हूँ कि एज रिवाइव जो है वो ड्राई स्किन के लिए है, ड्राई टू नॉर्मल एंड ड्राई स्किन। और हम इसको रिकमेंड करते हैं कम से कम 25 के बाद, जहाँ पर 25 के बाद भी, इसलिए कि वहाँ पर आपके पास प्री मेच्योर एंटी एजिंग की लाइन्स अपीयर होना शुरू हो गई हैं और आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन के ऊपर पैचेस मौजूद हैं किसी भी तरह के, अनइवन स्किन है, ड्राइनेस की वजह से, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन जो लोग कर रहे हैं वो हमें इनबॉक्स कर सकते हैं अपने अदर टॉपिक के क्वेश्चंस, उनके आंसर लाजमी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने जो टॉपिक लिया है हमने उसी पे बात करनी और वही सुनना है आपको, बस वही प्रॉब्लम लेकर आइए अपनी। पता है क्या होता है, हम जिस टॉपिक पर हैं और हम उस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो फिर हमारा जो माइंड है वो भी उसी जगह रहता है। अगर हम अभी हम स्किन केयर की बात करें, फिर हेयर पे आ जाएं, स्किन पे आ जाएं, हेयर पे आ जाएं, तो वही चीज़ें हम शायद सब कुछ गुटर गुटर होना शुरू हो जाता है और हो सकता है कि फिर वो चीज़ आपको सही तरीके से ना मिल सके। वो शायद पेट में होती है ना गुड़गुड़, आखिरी मिनट से गुड़गुड़ शुरू हो वाली चीज़ है, या तो सुबह जल्दी जब खा रहे होते हैं अगर लेट हो रही है सैरी, तो भी पेट में गुड़गुड़ होती है, वही अच्छा मैं पूरे नाम नहीं ले रही होती, मुझे एक बीमारी है और एक और भी बीमारी है कि मैं लोगों के नाम की तरफ से रखती हूँ, एक नया नाम दे देती हूँ। वो बच्ची आज तक महानूर है। हाँ वो महानूर है, वो बेचारी है, कोई बात नहीं, नए नाम भी जो देते हैं तो आपको। और कितना याद दिला लो, जो नाम इन्होंने दे दिया है बस इसका नाम माँ बाप को चाहिए बदल ले, वो वही नाम से रहेगा सारे से। अच्छा जी, ओके जी, आई क्रीम जो है हमारी सारी कवर हो चुकी है। आप लोग अभी तक हम आपके साथ एक और बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट शेयर करने वाले हैं, स्टार्ट में बताया था और जो हमने स्टार्ट में बताया था, लेकिन अगर आप आई के हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो जब तक हम ऑनलाइन हैं जब तक भी कर सकते हैं, और जब हम ऑफलाइन हो जाएंगे तो भी आप कर सकते हैं, हम आपके बाद में भी रिप्लाई करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अनाउंसमेंट हमारे साथ ब्यूटिशियंस कौन कौन है इस वक्त? ब्यूटिशियंस है यहाँ पर मौजूद, जैसे हमारे पेज पे काफ़ी ब्यूटिशियंस है, हम खुद ब्यूटिशियन है, तो हमारी मेरी भी नेटवर्क में काफ़ी सारी ब्यूटिशियन है, जैसे मैं ब्यूटिशियन, मेरे नेटवर्क में शायद आपकी, क्योंकि हम लोग फिर उनको आराम से समझा लेते हैं, घेर लेते हैं बहुत लोगों के, क्योंकि क्लिप तो घेरने वाला काम है, जबकि मोहब्बतों का काम है। बिल्कुल, ये मोहब्बतों का काम है, टुगेदरनेस का काम है, और वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर जोश है, जुनून है, जज्बा है, जो अपने आप को मनवाना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं और अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं अपना। बिल्कुल, हमेशा जब भी आए तो वो सीखने की नियत से ही आए वो लोग। मालिया माजिद आपके लिए अनाउंसमेंट, आप यू ही हो जाएगी, आप भी कर सकती हो मारिया, आप हमारे साथ डेनमार्क से जो है वो अपनी वीडियो बना के शेयर कर सकती हो, लाइव भी यहाँ पे आ सकती है ना, इन चीज़ों के बारे में हमारी, आपको तो अच्छी से पता है कि मैं इन चीज़ों के बारे में, वो डायरेक्ट भी आ सकते हैं ना, अगर आप लाइव वहाँ से करके दिखा रहे हैं तो आप नहीं कर सकते। हाँ, मैं मेरी तरफ से मारिया को परमिशन, फरत फहीम को, फरत फहीम भी आ चुकी है जी, ये भी फरत अब्बास सॉरी, ये भी ब्यूटिशियन सबके नाम मेरे पास फरत फहीम मेरी मेम्बर है, बहुत अच्छी है, वो भी ब्यूटिशियन है, सब समझा दो आपको
जी मारिया देख लो हम क्या क्या कर रहे हैं, दूर जाकर भी दूर नहीं हो। अनाउंसमेंट टाइम, और इस ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो मैं चाहूँगी कि जहरा के मुंह से हो, मेरे मुंह से, हाँ जहरा के वो अल्फाज, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन तरीके से कोई भी बात। ओ वाओ, अस्सलाम वालेकुम मैम शायमा ज़हीर हमारे साथ वाचिंग। वाओ, अस्सलाम वालेकुम मैम शायमा, अभी हमने आपको याद किया था और आप हाजिर हो गई। कैसी हैं आप? ब्यूटिशियंस के लिए अनाउंसमेंट है हमारे पास, और वो तमाम ब्यूटिशियंस या वो तमाम लोग जो समझते हैं कि ओरिफ्लेम मेकअप जो है वो ब्यूटिशियन इस्तेमाल नहीं कर सकती, या उससे हम ब्राइडल लुक नहीं दे सकते, पार्टी लुक नहीं दे सकते, उससे हम एंगेजमेंट दुल्हन नहीं बना सकते, निकाह ब्राइड नहीं बना सकते, वलीमा ब्राइड नहीं बना सकते, तो उनके ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने इस कॉम्पिटिशन का आगाज़ किया है। चूँकि हम दोनों खुद अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूटिशियंस हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम मेकअप करके और हमने बहुत सारे ब्यूटिशियन कोर्स करवाए हैं, जिससे कि हमने ओरिफ्लेम मेकअप से ही ब्राइडल भी पूरा मेकओवर करके दिखाया है और बहुत औसम उसके रिजल्ट्स आए हैं। तो यही चीज़ हम आगे बढ़ा रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम मैम शायमा, और यही चीज़ हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ब्यूटिशियंस के लिए हमने यहाँ पे ये ज़बरदस्त किस्म का कॉम्पिटिशन रखा है, जिसमें तमाम ब्यूटिशियन को रजिस्ट्रेशन करवानी है, और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन के साथ साथ पहले हम बेनिफिट बता देते हैं, फिर बताएंगे रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया। इसके बेनिफिट क्या हैं कि वो तमाम ब्यूटिशियंस जो इसमें रजिस्टर्ड होंगी उन सबको हम खुद ओरिफ्लेम मेकअप प्रोवाइड करेंगे, वो अपने साथ अपनी मॉडल खुद सेलेक्ट करेंगी, उसकी ड्रेसिंग, उसकी ज्वेलरी वो खुद अरेंज करेंगी, और तमाम मेकअप जो है वो हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ फुल कवरेज होगी उनकी, हमारे पेज पर लाइव आएंगे, इसके साथ साथ हमारे और भी जो डिफरेंट पेजेस हैं वहाँ पर वो शेयर की जा रही होगी। तो बहुत बड़ा क्राउड है जो आपके मेकअप के कमाल को देख रहा होगा, क्योंकि अच्छा ब्यूटिशियन, अच्छा मेकअप आर्टिस्ट वही होता है जो किसी भी प्रोडक्ट से खेल जाता है और हर प्रोडक्ट से एक अच्छा मेकअप करके दिखा रहा होता है, क्रिएट कर रहा होता है। अब इसके अंदर होगा क्या क्या, इसके अंदर होगा ये कि आप रजिस्ट्रेशन करवानी हो, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ हैं, और उसमें आपको मिलेगा क्या क्या। सबसे पहले वो तमाम ब्यूटिशियंस जो अभी तक रजिस्टर्ड मेंबर नहीं है उनकी फ़ी रजिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो 498 रुपीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर वो तमाम ब्यूटिशियंस जो यहाँ लाइव मेकअप करेंगी उनको हमारे पॉइंट पे आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद चलकर उनके सर्विस पॉइंट तक आएंगे, उनके सर्विस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे, उनके जो भी रमज़ान पैकेजेस हैं उसको भी हाईलाइट करेंगे, उनके मेकअप को हाईलाइट करेंगे, जिससे कि उनको एक फेम मिलेगा और यकीनन उनके कस्टमर की लिस्ट में इजाफा होगा, और वो सब मेकअप जो है वो ओरिफ्लेम से ही करके दिखाएंगी। उसके बाद जितनी भी ब्यूटिशियंस यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी उनमें सबसे ज़्यादा लाइक्स जिस मेकअप को मिलेंगे उनको हम देंगे 5000 का ओरिफ्लेम वैरायटी ब्यूटी बॉक्स, और वो हम उनको देंगे हमारी सक्सेस सेलिब्रेशन में जो हर मंथ हो रही होती है निखत पैलेस में, वहाँ हम सेलिब्रेट करेंगे उनको मिलाकर, और वहीं हम उनको प्राइस देंगे। इसके अलावा हमारे पास सेकंड रनर अप का प्राइस होगा, जिसके अंदर हम उनको देंगे स्किन केयर की प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को हम इस बिहाफ पर देंगे कि जो हमारे पेज को सबसे ज़्यादा शेयर करवाएगा और उसमें लाइक्स अपने लिए लेकर आएगा, तो फिर वो रनर अप को वो गिफ्ट्स मिल रहा होगा। इसके अलावा और हम क्या करेंगे, हम लोग आपके सैलून्स को बहुत अच्छे से हाइप क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर आप आकर अपने आराम से लाइव आकर अपने हमारे ही पेज पर बता सकते हैं अपने तमाम पैकेजेस जो कि आप आने वाले ईद के लिए आप लोगों ने रखे हुए होंगे यकीनन, और उसके लिए हमने बिल्कुल भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि अपने सैलून का नाम नहीं बता सकते या अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकते, आप बिल्कुल दीजिए। और ये वुमेंस एंटरप्रेन्योर हम लोग ने यहाँ पे जब स्टार्ट किया था तो उस वक्त से ही हम लोग ने सोचा था कि ब्यूटिशियंस को बहुत आगे आना चाहिए ओरिफ्लेम में, क्योंकि जब हम कर सकते हैं एज अ ब्यूटिशियन ओरिफ्लेम तो जो पार्लर्स लेकर बैठे हुए जिनके पास रेगुलर क्लाइंट्स आते हैं उनके पास तो ज़्यादा अच्छा मौका है कि वो ये काम कर सकें, इसीलिए हम उनको फ्री
रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड कर। बिल्कुल, रिदा पूछ रही है कि यहाँ पे ब्राइडल मेकओवर की कोई वीडियो है और प्लेबैक पिक्चर्स हैं हमारे पास, वीडियोस भी हैं मेरे पेज पर भी, वीडियोस भी हैं हमारी, वीडियोस हैं पिक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं हमारे पेजेस पर ऑलरेडी मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको करके दिखाया है बाकायदा। आज से 3 साल पहले मैंने खुद आपको सो ज्वाइन की थी, शायद हमने एक ब्राइडल पूरा सेशन किया था जिसके अंदर, हाँ पंडाला किया था, उसके अंदर हमने पूरी मेकअप किया था ब्राइडल्स का, बारात वलीमा मेहंदी का, और इसके अलावा जो उनके साथ सखियाँ होती हैं भाभियाँ होती हैं उनका, और वो मेकअप मैंने किया था, मेरे साथ मुझे फैसिलिटेट किया था फौजिया खलील ने और कैटवॉक करवाई थी, वो बहुत औसम था। उसकी पिक्चर्स भी आपको 3 साल पहले वाली मेमोरीज में मिल जाएंगी और जिन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था या जिन्होंने वो अटेंड किया था उनको उन्होंने अच्छे से देखा था कि कितना ज़बरदस्त ब्राइडल मेकअप था। इसके अलावा अभी हमने अप्रैल के मंथ में ही हैदराबाद और बल्दिया में जो अपना ब्यूटिशियन कोर्स किया है उसमें कलर कॉस्मेटिक्स की क्लास में हमने ब्राइडल मेकअप किया, उसकी पिक्चर्स मौजूद हैं हैदराबाद की भी और बल्दिया की भी, राफे रिजवान के पेज पर भी मौजूद है और मेरे पेज पर भी मौजूद है, आप देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि ऑयल क्रीम मेकअप से भी हम ब्राइडल बहुत आसानी से। ओके जी, मैं ये थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो विनर्स का क्राइटेरिया है उसमें हमने मेकअप के कुछ पॉइंट्स रखे हुए हैं, वो लेना 10 में से लेना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके लाइक्स वाला भी ऑप्शन आपके साथ इंक्लूड होगा। रिदा मक्सूद पूछ रही हैं आपके पेज का क्या नाम है, मेरे पेज का नाम है जहरा ओरिफ्लेम ब्यूटी क्लिनिक के नाम से, और ये वहाँ पर शेयर भी हुआ है आपके पास, शेयर भी हुआ है और मेरा पेज पे ये शेयर हो रहा है, तो आप मेरे पेज पर ऑप्शन आया हुआ, ऑप्शन आया हुआ ये शेयरिंग पे, ठीक है। आपको आप क्वालिफाइड ब्यूटिशियन होना है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन या बता दें विनिंग रजिस्ट्रेशन आपके 1000 रुपीज़ है, ये हमने अभी तक नहीं बताया था, रजिस्ट्रेशन आपकी 1000 रुपीज़ है जो कि नॉन रिफंडेबल है और बेस परफेक्शन के 10 पॉइंट्स हैं, मेकअप टेक्निक्स आप कैसे यूज़ कर रहे हैं और ओरिफ्लेम मेकअप के थ्रू, क्योंकि हमने टेक्निकली और ओरिफ्लेम के मेकअप को बहुत अच्छे से आगे हमने उसको काम शुरू किया था, इसलिए हम मेकअप टेक्निक्स देखेंगे, 10 पॉइंट्स हैं उसके भी, 10 में से जितने ज़्यादा मैक्सिमम आप पॉइंट्स ले सकें, कॉन्ट्यूरिंग टेक्निक और मिनिमम टाइम सबसे ज़्यादा काउंटेबल होगा कि आपने कितने कम टाइम में उस ब्राइड को तैयार किया, वैसे हमारे पास 2 आवर्स हम दे रहे हैं, बहुत होते हैं ब्राइड बहुत, ठीक है। ओवरऑल लुक यानी कि ज्वेलरी आपका सेटअप, आपके ड्रेसअप आपने क्या किया हुआ है और ब्राइडल कैसी आपने चूज़ की है और उसका आपने ओवरऑल लुक क्या दिया है, ये तमाम की तमाम चीज़ें आपने बहुत अच्छे से और बहुत वेल। थैंक यू सो मच रिदा मक्सूद ने शायद देख लिया है, कह रही है बहुत अमेजिंग ब्यूटीशियन है, थैंक यू सो मच। ओके जी, ओरिफ्लेम मेकअप यूज़ होगा इसके अंदर, जो किट हम खुद प्रोवाइड करेंगे आपको मेकअप के लिए, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको मेकअप ही खरीदना पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, पर यकीन जानिए ये मेकअप करने के बाद उस सारी ब्यूटी से जितनी सबका पार्टिसिपेट करने वाली है यहाँ पर, वो सब की सब इसकी यूज़र हो जाएंगी, वो इतना इसको पसंद करने वाली है, और वो ब्यूटिशियंस भी जिन्होंने अभी तक फाउंडेशन पे काम नहीं किया है उनका भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा फाउंडेशन के साथ। हम लोग जब कल सहरा वहाँ पे गए थे पार्लर्स में, तो हमें 2-3 ऐसी ब्यूटिशियंस मिली थी जिन्होंने फाउंडेशन कभी हाथ में नहीं लिया था, तो पे काम, कल हम लोगों ने विजिट किए थे सलोन्स के, वो भी वो सलोन्स थे जो हमें रेफर किए गए थे या हमें जिनके कॉन्टैक्ट मिले थे कि आप यहाँ जाके बात करें या ये लोग करना चाह रही है, हमारी मेम्बर्स ने ये भेजा था, तो उन लोगों ने कभी भी फाउंडेशन पे वर्क नहीं किया, तो लेकिन वो बहुत खुश थी, सबसे अच्छी बात एक्साइटेड कि उनको ये नहीं था कि जी नहीं मैं तो यूज़ ही नहीं करूँगी, सॉरी मेकअप टेक्निक्स को ही देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत बड़ी हो जाती है ना अचानक से, खुशी खुशी उन्होंने फॉर्म लिया और उन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए कहा और बहुत एक्साइटेड थी, वो अच्छा ये कब होगा, किस दिन होगा, कैसे होगा, तो ये भी बता दीजिए कब और कैसे और किस दिन और किस तरीके से। ये हम लोग मंडे से स्टार्ट ले रहे हैं इंशाल्लाह ताला तेरा, और मोस्ट इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद रखती हूँ कि कल हमारे पास कोई ना कोई डेट से स्टार्ट। अच्छा जी, डेट्स जो है वो हम जैसे जैसे हमारे पास ब्यूटिशियन की रजिस्ट्रेशन आती रहेगी हम उनको डेट्स देते रहेंगे, टाइमिंग जो है वो हमारे सुबह 12 से 2 बजे तक के होंगे इंशाल्लाह, अगर हमारे पास ज़्यादा ब्यूटिशियन आएंगे तो हम एक दिन में 2 भी कर सकते हैं, हम खुद से उनके सलून में जाएंगे, पूरी लोकेशन बताएंगे, आपका एड्रेस बताएंगे, आपके सलून का नाम वहाँ पे मेंशन करेंगे, इसके साथ साथ आपका नाम, और जो भी ब्यूटिशियन चाहती हैं कि उनका फेस ना दिखे, वो पर्दे में रहना चाहती हैं, तो हम उनके पर्दे का एहतराम करेंगे और वो सिर्फ उनके हाथ और उनका काम ही दिख रहा होगा, ये भी आप बेफिक्र हो जाएंगे। फॉर्म्स के हवाले से मैं बता दूँ, ओनली 50 फॉर्म्स हमारे
पास मौजूद है, इससे ज़्यादा हमने फॉर्म्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, जिसमें से हमने सेलेक्ट करने हैं ओनली 20 ब्यूटिशंस, 10 to 20। हाँ, 10 to 20 ओनली। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे ब्यूटिशंस ने हमें कहा था कि ये बहुत कम है या टाइम बहुत कम है आपको पहले से स्टार्ट कर, बात ही सही बात है, हमें करना चाहिए था, लेकिन वही वाली चीज़ें जैसे चीज़ों की आमद होती रहती है, और हमारा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इस तरह से ब्यूटिशियन के साथ उनके सैलून में जाके करने का, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन हो, कुछ गड़बड़ भी हो सकते हैं, कुछ जगहों पे ज़हरा और मैं अपनी जिप नहीं लगा सकेंगे, हाँ, लेकिन और दूसरा हो सकता है कि कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम्स भी आना शुरू हो, तो लेकिन हम इन सब चीज़ों से लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, हमें करेंगे, लेकिन हम नहीं मारेंगे इंशाल्लाह ताला, और हमने ये कॉम्पिटिशन करना है, और इंशाल्लाह ताला हम इसको रखेंगे कंटिन्यू ईद के बाद भी और उसके बाद भी, तो ब्यूटिशंस और बहुत सारे हैं जो हम अनाउंस करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी जितनी भी ब्यूटिशंस हैं, हमारा मेरा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 0335021980, तो मुझसे पर्सनल पे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, और मेरा नंबर है 0321206765, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं ब्यूटिशन फॉर्म के हवाले से जो हमें आपको देना है, और कॉल करके कॉन्टैक्ट कीजिए। इस फॉर्म को हम, इसकी इमेज जो है वो अभी हम अपने पेज पर जो है वो अपने अपने पेजेस पर लगा देंगे, आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर और आराम से पढ़ भी सकते हैं, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने बताई हैं वो वैसे ही एज इट इज़ लिखी हुई भी हैं, और फॉर्म फिल करने में कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, आपका फुल नेम है और आपका कॉलर नेम है, कॉलर नेम है, इसके साथ NIC नंबर है और कॉन्टैक्ट नंबर है और आपका वर्क एक्सपीरियंस है, बस ये चीज़ें आपने डिटेल हमारे साथ शेयर करनी है, और इंशाल्लाह ताला फिर हम साथ मिलकर वर्क करेंगे और आपके वर्क को हाईलाइट करेंगे और अपने प्रोडक्ट के थ्रू। बेसिकली हमारा मकसद यही है कि आपका जो बेहतरीन काम है वो बेहतरीन और मज़ीद बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ हो, तो उसमें चार चांद लग जाएंगे, तो हम जो ये कॉम्पिटिशन लॉन्च किया है आपके बेहतरीन काम को चार चांद लगाने के लिए ही किया है, वो बहुत सारी ब्यूटिशियन जिनके सलून बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, जिन्हें सिर्फ उनके एरियाज के लोग ही जानते हैं, इंशाल्लाह ताला वो बहुत फेमस होने वाली है, ब्यूटिशियन जो घर में पार्लर चला रही है अपना वो भी हमसे वो भी लाजमी हमसे रब्ता करें और हम उनको ज़्यादा खुशी से हाईलाइट करें। यार कोई वाली बात है राफिया की, मैंने खुद बहुत सारी ऐसी ब्यूटिशियन को देखा है जिनका एक कमरे में, एक छोटे कमरे में सलून है और उनका काम इतना अमेजिंग है, अच्छा अमेजिंग, और लेकिन वही वाली बात है कि सरमाए की कमी की वजह से या टाइम नहीं वो इतना दे सकती है कि बाहर बड़ा सलून खोल के, हाँ, इन सारी चीज़ों की वजह से वो एक महदूद तरीके से काम कर रही है, मगर काम उनका बहुत औसम है, वो भी हमसे रब्ता कर सकती हैं, वो भी इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकती हैं। हमारा बेसिक मकसद यही है कि जिस तरह ओरिफ्लेम हमें निखारता है, हमें संवारता है, ओरिफ्लेम ने हमें फेम दिया है, उसी तरीके से हम और मज़ीद ब्यूटिशियन को यहाँ तक लेकर आ सकें और उनको मज़ीद निखार सकें और उनका जो काम है, जो छुपा हुआ काम है, उसको हम लोगों के सामने ला सकें। अच्छा जी, तो अब हम इजाज़त चाहेंगे, आज का सेशन हमारा यहाँ तक ही था, आप ज़रूर बताइएगा आँखों का सेशन आपको कैसा लगा और कितना ज़्यादा आपने सीखा और आज से कौन कौन अपनी आँखों की केयर स्टार्ट करने वाला है वो आप हमें ज़रूर बताते रहिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा, इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम आपके साथ लाइव सेशन करते रहेंगे। मेरा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है, पर्सनल नहीं दे सकते, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है 0335021980 और मेरे पेज का लिंक यहाँ पे शेयर हो रहा है, रजिस्ट्रेशन लिंक भी यहाँ पर शेयर हो रहा है। अगर आप मेरी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं और मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं, आप एक अच्छे ब्यूटिशियन बनना चाहते हैं, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मेकअप नहीं आता, उनको हम अपने ब्यूटिशियन कोर्स के ज़रिए मेकअप सिखा रहे होते हैं और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं उन तमाम लोगों के लिए जो हमें इस पूरे रमज़ान के सेशंस में रजिस्टर्ड हो जाएंगे हमारे साथ, तो हम उनके लिए अपने क्लोज ग्रुप में एक ब्यूटिशियन कोर्स करवाएंगे, चाहे वो किसी भी शहर में रहते हो, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी आपके लिए कि आप लोगों को घर बैठे ही हमारा वो ब्यूटिशियन कोर्स मिल जाएगा जिसके लिए लोगों को हम तक आना पड़ता है। तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, हमारी टीम का हिस्सा बन जाए ताकि आप इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें और आज से 2 से 3 महीने बाद आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग भी सीख सकें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स का मेकअप खुद भी कर सकें, वो भी सिर्फ और ही क्लेम ब्रांड से, ताकि उनका फेस भी ख़राब ना हो, वो भी हमारी तरह खूबसूरत हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये फ्लेम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि आपको ये नहीं सुनने को मिलेगा कि तुम कहाँ मेकअप के कामों में पड़ गई हो, तुम्हें कौन सा कोई मेकअप आता है,
आप बता सकते हैं उनको फ़ख्र से कि बिल्कुल हमारे लीडर्स हमें मेकअप भी करना सिखाते हैं, हमें तमाम वो प्रोडक्ट का यूज़ करना बताते हैं जो उसका जिस जो तरीका है उसका यूज़ करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने का आप सबका, और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। दिन ब दिन हमारी मोटिवेशन, हमारा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आप लोगों की इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ, और जो हमें लाइव सेशन ख़त्म होने के बाद जो कमेंट्स आ रहे होते हैं पर्सनल पे, वाकई लवली, मैं इतनी ज़बरदस्त फीलिंग्स कभी और इतने में मैंने अभी तक फील नहीं करी थी जो अब मिल रही मोहब्बतें मुझे, यहाँ से जो मोहब्बतें आ रही हैं वो तो यहाँ से हमेशा मिली है माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम लीडर्स बहुत लविंग हैं हमारे और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। आप सबको सपोर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर डेली आ रहे हैं, और हम नहीं सोचते हमारा रोज़ा है, और हम नहीं सोचते कि हम आराम कर लें या कुछ भी इस तरह से, क्योंकि लीडरशिप निभाना और लीडरशिप ओन करना हर एक के बस की बात है। तो कर सकते हैं अगर 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 आप चाहें अपनी सुस्ती को ख़त्म करें, अपनी एनर्जी को उस टॉपिक को नहीं, वो करें शायद आपको उस पर लगे कि कोई भी नहीं कर सकता। मतलब हम अगर ये काम कर रहे हैं या ज़हरा ये काम कर रही है या हमारे और लीडर्स जो रमज़ान के महीने में काम कर रहे हैं, तो उनको अप्रिशिएट करें। अप्रिसिएशन यही है कि वो जहाँ जहाँ मौजूद हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए वहाँ पर लाजमी पहुँचे। अगर आपको ऑनलाइन कोई आकर वो करवा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना, अपने एसी रूम में बैठकर भी ये सेशन अटेंड कर सकते हैं और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर सीखना चाहते हैं। लेटे किचन में लगा ले सामने मोबाइल, बिल्कुल हर एक के पास होता है। थैंक यू सो मच हम सबको, हम दोनों को ज्वाइन करने का, और हमें इजाज़त दीजिए। बहुत